कंग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा। फोर में दो सुपर हीरो को क्यों रखा जा रहा है? क्या इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को भी लिया जाएगा? और कैसे बनने जा रही है ये फिल्म 2000 करोड़? ऋतिक रोशन की क्रिस फोर पर लॉकडाउन में तेजी से काम हुआ और अब राकेश रोशन ने फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी और फिल्म कास्टिंग के स्टेज पर पहुंच चुकी है। खबरें हैं कि फिल्म में ऋतिक 4 किरदार निभाएंगे जिनमें से एक सुपर हीरो का है और अब फिल्म की 2 हीरोइनों में से एक का नाम लगभग तय है और वो नाम है कीर्ति सैनन। कीर्ति भी फिल्म में ऋतिक के साथ सुपर हीरो का किरदार निभाती दिखेंगी। गौरतलब है कि राकेश रोशन की पिछली फिल्म क्रिस 3 में कंगना रनौत भी एक सुपर वुमन थी और अब वो फिल्म का ये एंगल छोड़ना नहीं चाहते। इस बार सीरीज की सुपर हीरो होंगी कीर्ति सैनन। वहीं फिल्म की दूसरी हीरोइन पर फिलहाल विचार चल रहा है। हालांकि इससे पहले फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के नाम की भी चर्चा हुई थी लेकिन शायद बात नहीं बनी। अब फिल्म के लिए कीर्ति सैनन का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। गौरतलब है कि कीर्ति सैनन के लिए पिछला साल शानदार रहा था और अब इस साल अगर वाकई ये फिल्म कीर्ति के हिस्से में आ चुकी है तो 2020 में इससे अच्छी खबर उनके लिए और क्या हो सकती है। अफवाहें थी कि कीर्ति सैनन ऋतिक रोशन के अपोजिट फराह खान के सत्ते पर सत्ता रीमेक में दिखाई दे सकते और अब तक तो दर्शक इन अफवाहों से खुशी थे लेकिन अब लगता है कि आखिर कीर्ति और ऋतिक को एक साथ लाने के बारे में राकेश रोशन ने ही सोच लिया है। बस इस खबर पर कोई अफवाह की सेंध ना लगाए। वहीं दूसरी तरफ अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को भी कास्ट किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि इस फिल्म में विलन के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे लेकिन अब खबर आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ टाइगर श्रॉफ भी विलन की भूमिका में दिखाई देंगे। अगर किसी फिल्म में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार काम करेंगे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से 2000 करोड़ का बिजनेस कर सकते। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा। यूं इतने जज्बाती हो जाते? भूख खाने की नहीं इंफॉर्मेशन की हो, दुनिया बसी है इस डेटा में और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है। मेजर ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है, मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। दिस फोन इज हैक्ड। गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। क्रिश 4 से होने जा रही है जादू की वापसी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो राकेश रोशन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहाँ है। 2003 में फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मिला। एक दूर ग्रह से जीव धरती पर आता है जो नीले रंग का है
जिसका नाम सब जादू रखते हैं, वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीम शक्तियां देता है, जिसके बाद वो गजब का डांस करने लगता है, उसकी मसल्स बन जाती है, गजब की फाइट करता है, जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह भेज दिया जाता है, जिसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया गया। हालांकि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोहित अपने पापा के पुराने कंप्यूटर के थ्रू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का स्पेसशिप भी नजर आता है। लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया, लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था। तो फाइनली इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन। तो एटलीस्ट इस बार तो जादू की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इस बात से ना आप इनकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया। जब फिल्म आई थी, जितना इम्पोर्टेंट रोल ऋतिक रोशन का था, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था जादू का। क्योंकि जादू के आने से पहले, हालांकि ऋतिक रोशन की बेहतरीन एक्टिंग ने सबको बांधे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बाद ही तो फिल्म में मसाला आता है, जब ट्विस्ट आता है, तो इतने इम्पोर्टेंट रोल को कोई कैसे भूल सकता है। और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व भर में तहलका मचा हुआ है और दुनिया नष्ट होने तक की बात कह दी गई, तो ऐसे में राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जादू अपने ग्रह से आता है और कृष्ण के साथ मिलकर पूरी सृष्टि को बचाता है। ये आइडिया काफी एक्साइटिंग रहेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रह से कुछ बुरे जादू आ जाते हैं, जिसके बाद जादू आता है और वो कृष्ण के साथ मिलकर उन बुरे जादू से पूरी दुनिया को बचाता है, जैसा कि हमने हॉलीवुड फिल्म द फैंटास्टिक फोर और ट्रांसफॉर्मर्स में देखा था। वो फिल्में भी काफी ब्लॉकबस्टर हिट थी। या फिर कुछ ऐसा करें कि कृष्ण का बेटा, जैसा कि आपने कृष्ण 3 में देखा कि उसके बेटे ने भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तियां हैं, तो क्यों ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचाए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया। हालांकि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है, जो हाल ही में रिलीज हुई थी, द लॉयन किंग, जिसमें शाहरुख खान ने भी वॉइस ओवर दिया था। तो इस तरह से आप बच्चों का ध्यान भी अपनी ओर काफी ज्यादा खींच सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ एक और भी शिकायत है कि प्लीज कृष्ण की ड्रेस बदल दीजिए। हमने कितने सारे सुपर हीरो देखे हैं, सबसे बुरी ड्रेस में कृष्ण की लगती है। अब कृष्ण को लड़ना होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है, कलाबाजियां खानी होती है, न जाने कितनी बार उस लबादे से अपना कृष्ण गिरता फिरता बचा होगा। दूसरा, इतनी गर्मियां पड़ती है, मुंबई में वो अपनी पत्नी यानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है, तो उसे ह्यूमिडिटी नहीं होगी। प्लीज यार, उसकी ड्रेस बदल दीजिए। इतने हमने मार्वल के सुपर हीरोज देखे, कितनी बेहतरीन ड्रेसेस बनाई गई हैं सुपर हीरोज की, तो इस बार तो सुपर हीरो की ड्रेस में कुछ चेंजेस होने चाहिए। और जैसा कि कृष्ण 3 में बेटा भी जन्म ले चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बाप बेटे को तो दिखाया ही जाएगा, तो कुछ अच्छी सी यूनिक सी ड्रेस इस बार राकेश रोशन ला सकते हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि जो भी सुपर हीरो वाली फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, कहीं ना कहीं हॉलीवुड से ही प्रेरणा ली जाती है। तो हमारा यही कहना है कि राकेश रोशन जी, थोड़ा गंभीरता से सोचना कि इस बार आप किसकी कॉपी करने वाले हैं। पहली फिल्म में आपने स्पीलबर्ग का आइडिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका विलन भविष्य में देखने वाली मशीन बना बैठा, इसे भी 2-3 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में देखा जा चुका है। तीसरी फिल्म में आपने कमाल ही कर दिया, आप म्यूटेंट ले आए। अब एक्समैन वुल्वरीन का कॉन्सेप्ट कहाँ फिट होता है एक सोलो सुपर हीरो वाले काल में। कोशिश करिए कि इसे बैटमैन सीरीज की फिल्मों जैसा बनाएं, जहां बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट की जरूरत नहीं। बैटमैन सीरीज में क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्में बनाई कुछ वैसा वैसा। अगर वयस्कों को नहीं, बच्चों को ही टारगेट करना है, तो हल्क वाले मैनरिज्म डाल दो कृष्ण में, आयरन मैन वाले वन लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब चूंकि शक्तियों के मामले में वो थॉर जैसा है, तो कुछ वहां से ले लेना, बस म्यूटेंट मत लाना और कुछ भी करना। वेल दोस्तों, ये जितना भी आइडिया, जितनी भी बातें हमने आपको बताई, क्या आप भी इन चीजों से सहमत है? कितनी बातों से आप सहमत है, और इसमें और क्या अच्छे चेंजेस किए जा सकते हैं स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? आपके भी दिमाग में कुछ आइडियाज तो जरूर होंगे। 3-3 फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं, तो अब कृष्ण 4 और कृष्ण 5 में आप क्या नया देखने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? कृष्ण 4 में किस किरदार की 17 साल बाद होने जा रही है वापसी? कृष्ण 4 कब तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है? कहां से आते हैं ये एलियंस?
हमारे बीच क्या रहते हैं एलियंस, कितने प्रकार के होते हैं ये एलियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। ऋतिक रोशन के करियर की सबसे अहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी किस्त का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। क्रिश 4 की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरें आती हैं जिनसे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ चौथी किस्त को दमदार बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में अब एक ऐसे किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। ये किरदार है जादू, जी हाँ, वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धि रोहित मेहरा को स्मार्ट, मेधावी और शक्तिशाली वैज्ञानिक में बदल दिया था। राकेश रोशन क्रिश 4 में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी। जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है और उसके पास सुपर पावर्स हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में दिखाया गया था कि संयोगवश धरती से संपर्क होने के बाद एलियन यहाँ आता है। भोला भाला रोहित उसे छिपा कर रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तियाँ देता है। अब अगर बात करें कि क्या एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं, तो आपको बता दें कि एलियंस हमारे बीच अदृश्य तौर पर मौजूद हैं। उनकी नज़र लगातार हम सभी पर है और भविष्य में वो समय भी आएगा जब ये एलियंस मानवों से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे नई सुपर ह्यूमन प्रजाति सामने आएगी। सुनने में ये बात आपको बेतुकी और बेसिर पैर की ज़रूर लग रही होगी, लेकिन इसे कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना वैज्ञानिक है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी नई किताब में ये दावा करके वैज्ञानिक जगत में तहलका मचाया हुआ है। बल्कि उनकी तो पूरी किताब ही इस बात पर आधारित है कि किस तरह एलियंस पृथ्वी पर हम सबके बीच ही मौजूद है और आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के खत्म होने का संकट सामने आएगा, तब एलियंस के जरिए इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न प्रजाति इस दुनिया को बचाएगी। और जिस शख्स ने ये किताब लिखी है उनका नाम है डॉक्टर योंग ए चेई। डॉक्टर चेई ऑक्सफोर्ड और उससे परे वैज्ञानिक जगत में जाना माना नाम है। डॉक्टर योंग ऑक्सफोर्ड ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। वो वैज्ञानिक लेक्चर्स के जरिए अपनी बात कहते रहते हैं। पिछले कई सालों से वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को पुख्ता करने के लिए एक किताब ही लिख दी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अप्रैल 2018 में डॉक्टर चेई ने इस पर ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट भी बुलाई। उनकी ये किताब कोरियाई भाषा में है, लेकिन इसके कुछ अंशों का अनुवाद हुआ है। उनका ये कहना है कि पृथ्वी और यहाँ पर मौजूद मानव प्रजाति संकट में है। एलियंस हम पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पृथ्वी और इस पर मौजूद प्रजातियों का विध्वंस हो, लिहाजा यहाँ पर वो मानवों के साथ इंटरब्रीडिंग से नई हाइब्रिड प्रजातियाँ पैदा करेंगे। ये प्रजातियाँ पृथ्वी पर रहेंगी, हालांकि ये अदृश्य होंगी और अपना काम करती रहेंगी। कुछ ऐसी ही बात मार्च में पेरिस में हुई वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में भी दोहराई गई। METI इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एलियंस हमसे कहीं अधिक चालाक हैं। वो जानबूझकर खुद को इंसानों से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें शायद लगता है कि सच्चाई जानने के बाद इंसानों का उनके जीवन में दखल बढ़ जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार UFO देखे जाते हैं, उसका मतलब ये भी है कि हमें खोजने के बाद एलियंस इंसानों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। शायद वो भी पृथ्वी में कोई उथल पुथल नहीं करना चाहते। दरअसल 1950 के बाद से ही पेरिस में हर दूसरे साल मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है, जिसमें इस बारे में शोध कर रहे वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगता है। डॉक्टर चेई अपनी किताब में कहते हैं कि एलियंस जिस समय पृथ्वी पर पहुंचे हैं और हम सबके बीच अदृश्य होकर मौजूद हैं, उस समय से पृथ्वी क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर हथियारों और अन्य बड़ी दिक्कतों से गुजर रही है। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जब पृथ्वी से मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो, तब एलियंस यहां अपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। किताब में यह तर्क भी दिया गया है कि अगर हम अभी क्लाइमेट चेंज पर काम करना शुरू करते हैं तो ना केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि एलियंस को गलत भी साबित कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि एलियंस कितने प्रकार के होते हैं, तो डॉक्टर चेई मानते हैं कि
चार तरह के एलियंस हैं, छोटे कद के और लंबे, पतले और सांप जैसी आंखों वाले, और कीड़े मकोड़ों सरीखे एलियंस। उनका कहना है कि सबसे ऊंचे क्रम में कीड़े सरीखे एलियंस सबसे ऊपर होते हैं, जो अपनी निचली रैंक को ऑर्डर देते हैं। उनका ये भी मानना है कि सभी एलियंस हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ती हुई अजीबोगरीब उड़नतश्तरी नुमा चीजें देखी जाती रही हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने हाल ही में इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया कि कई बार मिलिट्री के खासे अनुभवी और प्रशिक्षित पायलट्स ने ऐसी तेजी से उड़ती हुई गोलाकार चीजों को देखने का दावा किया है, जिन्हें कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबने इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया। कुछ ने इसे घूमता हुआ कहा, कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ सफेद चीज देखी है। वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि अगले एक डेढ़ दो दशकों में एलियन से पृथ्वीवासियों का या तो संपर्क हो पाएगा या उनसे मिलना संभव हो पाएगा। इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता रहा है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही हैं। इनफैक्ट नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था। उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियंस। नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल में चार जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है। उनका तयशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा। इसके अलावा तीन उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एनसेल्डस पर जीवन की संभावना है। तो क्या एलियन के साथ साथ इन सभी चीजों को भी इंक्लूड करके फिल्म में दिखाया जाएगा? क्योंकि जब से ये महामारी शुरू हुई है, तभी से क्रिश 4 के स्क्रिप्ट्स में काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके साथ इस बार ये दिखाने का भी दावा किया गया था कि पृथ्वी किस तरह से खत्म होगी और एलियंस और क्रिश पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव प्रजाति को बचाएगा। तो क्या यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा? अगर दिखाया जाएगा तो वाकई एक्साइटिंग रहेगा। और आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको भी इन सभी बातों पर भरोसा है? ऋतिक रोशन के करियर की सबसे अहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी किस्त का इंतजार फैन बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। क्रिश 4 की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर के साथ चौथी किस्त को बड़ा दमदार बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में एक ऐसे अहम किरदार की वापसी की बात सामने आई है, जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। ये किरदार है जादू। जी हाँ, वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धि रोहित मेहरा को स्मार्ट, मेधावी और शक्तिशाली वैज्ञानिक में बदल दिया था। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन क्रिश 4 में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी। वैसे भी क्रिश 3 में रोहित मेहरा की डेथ हो चुकी है, लिहाजा जादू को फिर से बुलाने का ये परफेक्ट समय होगा। जादू की वापसी को बेहतर स्तर पर दिखाने की तैयारी चल रही है। मुंबई मिरर से बातचीत में भी ऋतिक ने जादू की वापसी का इशारा किया था। उन्होंने कहा था, दुनिया अब कुछ जादू के साथ कुछ कर सकती है। जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है, उसके पास सुपर पावर्स हैं। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में देखा गया था कि संयोग्यवश धरती से संपर्क होने के बाद एलियन आता है, भोला भाला रोहित उसे छिपा के रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तियां देता है। कोई मिल गया में जादू का किरदार इंद्रवर्धन पुरोहित ने निभाया था, जो बौने कद के कलाकार थे। 2014 में उनकी डेथ हो चुकी है। जादू के कॉस्ट्यूम ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट जॉन कॉर्नर ने बनाए थे। वैसे जादू पर बच्चों के चैनल निकलोडियन पर 2004 में एक एनिमेशन कम लाइव सीरीज आ चुकी है, जिसका नाम था जे बोले तो जादू। कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। इसका सीक्वल क्रिश 2006 में आया था, जिसमें ऋतिक रोशन ने डबल रोल निभाया, रोहित मेहरा और उसका बेटा क्रिश, जो खुद सुपर पावर से लैस होता है। फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म क्रिश 3 2013 में आई थी। दूसरी क्रिश कभी नहीं आई, क्योंकि क्रिश को ही क्रिश 2 मान लिया गया। क्रिश 4 और 5 को लेकर राकेश रोशन ने जो आइडिया निकाला है, क्या वो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है? शाहरुख खान का क्रिश से क्या रिश्ता था और क्या होने जा रहा है? क्रिश 4 की कहानी कहां तक लिखी जा चुकी है? और तोंद से सिक्स पैक्स एब्स तक का ऋतिक रोशन का ये सफर आप बॉडी और दिमाग में कैसे आग लगा देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुआत, बाद में इसकी दो सीक्वल फिल्में बनी, 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़के की कहानी थी, जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है, और इस वजह से उसे सब सताते भी बहुत है। लेकिन एक दिन एक एलियन धरती पर आता है,
जादू। वो जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है। दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है। चूंकि रोहित की माँ कृष्ण की भक्त होती हैं और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है, इसीलिए उसका नाम रखा जाता है कृष्णा। अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती हैं और जब वो मास्क पहनकर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश। इसी क्रिश सीरीज में ताजी हलचल हो रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने घोषणा कर दी है कि वो एक साथ दो दो फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिश 4 और 5। तो हम बात करेंगे इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन फिल्मों में दिख सकते हैं। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तय नहीं है कि वो किस रोल में नजर आएंगे, क्योंकि सलमान की किक में विलन बने थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो लगाने वाले शायद ये कयास लगा सकते हैं कि वो विलन की भूमिका में दिखे, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इन फिल्मों में सुपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे ऋतिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गेविन मिगेल हो सकते हैं। इन्होंने ही क्रिश 3 में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किए थे जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे। इन दोनों फिल्मों के स्टंट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुलाए जाएंगे। देखना होगा कि राकेश रोशन किन हॉलीवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं, क्योंकि क्रिश 3 के VFX तो उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे। साथ ही ये खबर भी है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। इससे पहले क्रिश सीरीज की फिल्मों में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही हैं। अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हीरोइन को लिया जाएगा। क्योंकि दो फिल्में एक साथ बन रही हैं तो सीरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे इनमें नजर आएंगे। अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी ईरानी, रॉबिन बर्ट, राकेश रोशन, सचिन भौमिक, संजय मासूम, आकर्ष खुराना जैसे लोग रहे हैं। इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किसके होंगे ये भी अभी पता नहीं, सब हाइड किया हुआ है। अब ऋतिक रोशन के बारे में तो क्या कहे, उनको ग्रीक का गॉड कहा जाता है। उनकी पर्सनैलिटी, उनके सिक्स एब्स, उनके लुक्स, उनका डांस, उनके स्टंट, उनके मूव्स, सब कुछ सुपर हिट है। बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में इंटरनेशनल लेवल पर उनको बहुत ही ज्यादा हैंडसम एक्टर के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे? जी हाँ, इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। YouTube ट्रेंडिंग से लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो छाया हुआ है। ये वीडियो है ऋतिक रोशन की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे उस आदमी ने बीमारी से उठने के बाद अपनी तोंद को अंदर करके सिक्स पैक एब्स बनाए। इस सफर की शुरुआत तब हुई जब ऋतिक रोशन को फिल्म वॉर में काम करने का ऑफर आया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। ऋतिक ने कहा कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अंदर गए, अपनी बॉडी की फोटो खींचकर मीटिंग में लाए, जिसे देखने के बाद आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद की हवा खिसक गई। दरअसल ऋतिक रोशन को स्लिप डिस्क हो गया था, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। ऊपर से पिछले दिनों उन्होंने सुपर 30 फिल्म की थी, जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना भी था। उसके बाद उनके हिस्से आई वॉर, जिसके लिए उन्हें अपने शरीर और दिमाग से युद्ध करते हुए शेप में आना था। वहां से शुरू हुआ 6 महीने का ये सफर, जो वॉर फिल्म और उससे कहीं आगे तक चलता रहा। लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि इन्हें तो सिर्फ बॉडी दिखानी है, लेकिन उस बॉडी को दिखाने लायक बनाने के लिए किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं है, ये उस कैरेक्टर के बारे में है जिसे लोग ऋतिक रोशन के नाम से जानते हैं और वो बनने के लिए ऋतिक रोशन को क्या क्या करना पड़ता है। ऋतिक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खुद को मोटिवेट करते हुए चलते हैं, जो इस वीडियो में कमेंट्री वाला फील डालता है। किसी वीडियो को बना देना बड़ी आम बात है, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होकर किसी से कुछ लिखवा देना बहुत बड़ी बात है। आपको इसमें रियल ऋतिक दिखेंगे। हो सकता है वो उस खांचे में फिट ना हो पाए जो आपने अब तक ऋतिक रोशन के नाम पर अपने दिमाग में गढ़ रखा था, लेकिन आप जो देखेंगे वो आपके दिमाग में उनकी एक नई इमेज जरूर गढ़ देगा, जो काफी पॉजिटिव होगी। और शायद इस वीडियो का मकसद भी यही है। ये वीडियो एक बड़ी पर्सनल जर्नी है और उस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना बड़ी बहादुरी की बात है। फिल्म सुल्तान में सलमान खान का एक सीन है, जहां वो आईने के सामने खड़े होकर अपना बाहर निकला पेट देखकर रोते हैं।
सलमान उस सीन को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें दुनिया ने कभी वैसे नहीं देखा, हमेशा फिटनेस आइकन माना। उससे बड़ी बात ये कि सलमान ने खुद को कभी वैसे नहीं देखा, ऐसे में खुद को मेंटली उस चीज के लिए तैयार करना चैलेंजिंग पार्ट था। लेकिन वो सीन सिर्फ फिल्म में है, सुल्तान की मेकिंग के तमाम वीडियोज उपलब्ध है, उसमें उस पूरे किस्से का जिक्र है कि सलमान कैसे ये सीन करने को रेडी हुए, लेकिन उस सीन से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं है। ये वही सलमान है जिन्होंने ऋतिक रोशन को उनकी पहली फिल्म से पहले बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी थी। हम इस बात से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं। वापस शेप में आने के बाद ऋतिक रोशन ने कहा, अगर ये फिल्म पिट जाती है, अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाता जहां मैं अभी हूं, कम से कम इस दौरान मैंने वो तो किया जो मैं करना चाहता था। ये 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एंजॉय किया, नहीं बना बॉडी तो नहीं बना, ठीक है 6 महीना एंजॉय किया मैंने। ये वही पर्सनल पुट है जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद ये आदमी फिल्म वॉर में अपने इंट्रो सीन शूट से पहले चेहरे पर अपने हाथों से मेकअप करके झुर्रियां लाता है ताकि उसका किरदार फिल्म में उम्रदराज और अनुभवी दिख सके। और फिर अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए भी ऋतिक रोशन ने कहा, मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ कि तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए कि तुमने किसी भी काम में अपना बेस्ट दिया है, तुम्हें सिर्फ वही करने की जरूरत है। मैं उनसे ये नहीं पूछता कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए या लास्ट आए, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुमने सारा खून पसीना उस काम में लगा दिया है। अगर उनका जवाब हाँ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बस वही करने की जरूरत है लाइफ में, और क्या कर सकते हो तुम, सिर्फ ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएं, सफलता तो आपके कदम खुद ब खुद चूम लेगी। तो दोस्तों, आप ऋतिक रोशन की इन बातों से कितना सहमत हैं और आपको कितना बेसब्री से इंतजार है इस सुपरस्टार की आने वाली फिल्म को लेकर? क्रिस 4 और 5 को बनाने को लेकर राकेश रोशन ने जो सोच लगाई है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है? तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आए ऋतिक और सुजैन खान? हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है क्रिस 4 और क्रिस 5? क्रिस 4 को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। राकेश रोशन नई फिल्म ला रहे हैं क्रिस 4 और 5। राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत की थी, बाद में इसकी 2 सीक्वल फिल्में क्रिस 2006 और क्रिस 3 2016 में आई। इसी क्रिस सीरीज में ताजी हलचल हो रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने घोषणा कर दी है कि वे एक साथ 2 फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिस 4 और क्रिस 5। यही नहीं, राकेश रोशन अब फिल्म क्रिस 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े स्तर पर फिल्माने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिस 4 के कुछ एक्शन दृश्य फिर से लिखे गए हैं और इनका स्तर ऋतिक की फिल्म वार के बराबर ले जाने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सीनियर रोशन ने अपने इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रही है। यही नहीं, क्रिस 4 का अंग्रेजी संस्करण भी बनेगा और इस बार इसका लुक पूरी तरह इंटरनेशनल बाजार के मुताबिक रखा जाएगा। कोरोना की वजह से क्रिस 4 और क्रिस 5 की कहानी में और भी चेंजेस किए जा रहे हैं। मेकर्स कोरोना का फायदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को और टाइट कर रहे हैं और इसका स्क्रीन प्ले कहा जा रहा है कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है। कोरोना की वजह से सब लोग घरों में बंद हैं, क्योंकि अगर 2021 देखना है तो 21 दिन घर में ही बिताना पड़ेगा। इसी समय ऋतिक रोशन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। इस पोस्ट में एक फोटो है और साथ में लंबी चौड़ी प्यारी बातें। उस फोटो पर नजर आ रही है ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान। वो वापस ऋतिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए, ताकि इतने लंबे समय तक उनके दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल रहे। पहले ऋतिक का वो इंस्टा पोस्ट देखिए, फिर हम इसमें लिखी बातों को शॉर्ट में समझाते हैं। बेसिकली अपने इस पोस्ट में ऋतिक बता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ ना रह पाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी आधी कस्टडी रखते हैं, उनके लिए समस्या ये है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल दिए बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं। ऋतिक इसमें आगे जोड़ते हैं, ये सुजैन मेरी पूर्व पत्नी की तस्वीर है जिन्होंने टेम्प्रेरी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े। थैंक यू सुजैन इतनी मदद के लिए, हमारी जर्नी को समझने के लिए। हमारे बच्चे यही कहानियां सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे।
सुजैन खान पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। वो बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की बेटी भी हैं। दिसंबर 2000 में ऋतिक और सुजैन की शादी हुई। इस कपल के दो बेटे हैं, रेहान और रिदान। 2014 में ऋतिक और सुजैन ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। हालांकि दोनों अब भी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। अगर ऋतिक की बात करें तो 2 साल के गैप के बाद 2019 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। बिहार बेस्ड मैथमेटिशियन आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30, जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया, और वार, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर के साथ दिखाई दी। वार 2019 की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म साबित हुई। अब क्रिस 4 और क्रिस 5 पर काम शुरू हो गया है। क्रिस 4 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? क्या क्रिस 4 में कैप्टन अमेरिका की एंट्री होने जा रही है? क्रिस 4 में जादू की वापसी क्यों होगी? राकेश रोशन ने क्रिस 4 को लेकर के क्या कहा? शराबी लड़कियों को फिल्मों में स्टीरियोटाइप्स क्यों दिखाया गया है? क्रिस 4 का टीजर कब आ रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। इस लॉकडाउन के खत्म होते ही राकेश रोशन क्रिस 4 की शूटिंग शुरू कर देंगे, और इस बार क्रिस 4 की कहानी में जादू की वापसी हो रही है। क्योंकि 2003 में जब इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया आई, तो स्टीवन स्पीलबर्ग की ईटी की तर्ज पर आप परग्रह से एक प्यारे से जीव को भारत के कसौली में ले आए। वो नीला था। उसने हमारे शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को अनूठी शक्तियां दी। फिर वो गजब डांस करने लगा, डौले शौले निकल आए, क्या फाइटिंग करता था। लेकिन उसी जादू को आपने बेदर्दी से उसके ग्रह तो वापस भेजा, लेकिन एक बार फिर धरती पर नहीं लाए, एक बार खाने पर भी नहीं बुलाए। 2006 में आई सिक्वल क्रिस के एंड में आपने हमें उम्मीदों से भर दिया कि जब रोहित ने अपने पापा के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जादू से संपर्क किया और दूर आसमान में उसकी स्पेसशिप भी दिखी। लेकिन तीसरी फिल्म में फिर कोई अता पता ना था। अब चौथी ला रहे हैं तो जादू को भी लिवा लाइए, और कुछ नहीं तो क्रिस के बेटे के साथ खेलने के लिए ही 2 सीन डाल दीजिए। क्रिस को आप डायनासोर के काल में डाल सकते, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की लेटेस्ट फिल्म में मशीनों के डायनासोर ये लोग बड़ी चालाकी से ले आए। आप भी ला सकते हैं। जंगलों के बीच कहीं नॉर्थ ईस्ट में शूटिंग कर लेना। अभी फरहान अख्तर ने भी तो मेघालय में की थी, वहाँ डायनासोर नकली भी नहीं लगेंगे। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये स्पील वर्ग वाला मामला है। कोई मिल गया में हमने ईटी वाला आइडिया लिया, इस बार जुरासिक पार्क वाला ले लेते हैं, मजा आएगा। इस बार हॉलीवुड की किस सुपर हीरो फिल्म से प्रेरणा लेने जा रहे हैं? गंभीरता से सोचना। पहले फिल्म में आपने स्पील वर्ग का आइडिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका ब्रेन भविष्य में देखने वाली मशीन बना बैठा। इससे भी 2-3 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में देखा जा चुका है। तीसरी फिल्म में आपने कमाल ही कर दिया, आप म्यूटेंट ले आए। अब एक्स मैन वुल्वरीन का कॉन्सेप्ट कहाँ फिट होता है एक सोलो सुपर हीरो वाले काल में? कोशिश करिए कि इसे बैटमैन सीरीज की फिल्मों जैसा रखिए, जहाँ बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट की जरूरत नहीं। बैटमैन सीरीज में क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म बनाई कुछ वैसा। अगर बड़ों को नहीं तो बच्चों को ही टारगेट करना है तो हल्क वाले मैनरिज्म डाल दो क्रिस में। आयरन मैन वाले वन लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि शक्तियों के मामलों में वो थोर जैसा है, तो वहां से वो ले लेना। बस म्यूटेंट मत लाना और कुछ भी मत करना। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो क्रिस 4 में एक शराबी लड़की का कैरेक्टर डाला जा रहा है। कहते हैं कि लड़कियां शराब हैंडल नहीं कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ये कहने की बात नहीं है, स्थापित सत्य है। लड़कियों से जुड़े तमाम स्टीरियोटाइप्स यानी पूर्वाग्रहों को इसी तरह बार बार दोहरा कर सच बना दिया जाता है। लड़कियां किस तरह शराब हैंडल नहीं कर पाती, इसका नुमाइश बार बार हमारी फिल्मों में होती है। जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल, जरा सा झूम लूं मैं गाते हुए दीवानों की तरह नाचने लग, कल हो ना हो में वैसे सीरियस रहने वाली नैना यानी प्रीति जिंटा अचानक जैकेट उतार कर नाचने लग, अगली और पगली के गीत मैं टल्ली हो गई का भी यही हाल है। ये सभी गीत औरतों के एक सांस में शराब पीने के सीन से शुरू होते हैं। हमारी फिल्मों में शराब कभी नॉर्मली नहीं पी जाती, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख या हमेशा कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए शराब का सेवन करता दिखाया जाता है। अगर सीन में लड़की हो तो लड़की क्यों पी रही है, हमेशा उसका बैकग्राउंड दिया जाएगा, उदास होगी, ब्रेकअप हुआ होगा या अपनी कामुकता जाहिर करने का कोई जरिया खोज रही होगी। जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का एक सीन है, सोनाली मेरे लिए ड्रिंक ले आओ, पेप्सी ऑरेंज जूस एप्पल जूस, सोनाली जूस चलेगा लेकिन उसे वोदका के साथ डाइल्यूट करना। फरहान अख्तर के किरदार कार्तिक के थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम का हिस्सा। ये बात है ही नहीं कि लड़की शराब पिएगी, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जब भी एक लड़की एक और लड़के या लड़कों के ग्रुप के साथ जाती है, वेटर भी बार वाला मेनू पुरुष के सामने रखता है,
फिल्मों में शराब पीकर लड़कियों को कभी नॉर्मल रिएक्ट करते हुए नहीं दिखाया गया। फिल्म में प्लॉट में शराब का काम ही लड़की के बहकाने वाले एक सीन को बनाना है, क्योंकि इससे हीरो को भी हीरो बनने का मौका मिलता है। शराबी लड़कियों के हीरो, चूंकि लड़कियां शराब हैंडल नहीं कर सकती, वो हमेशा एक गार्जियन के साथ पिए, ये जरूरी होता है। इसलिए हीरोइन के शराब पीते वक्त या उसके बाद हीरो का होना बहुत जरूरी है। हीरो के ये काम, लड़की को पीने से रोकना, फिर भी वो ना रुके और बेहद नशे में हो तो उसे थामना, नशे में जब वो कामुकता जाहिर करने लगे तो आश्चर्य दिखाना और फंसा हुआ महसूस करना, उसे सुरक्षित बिस्तर तक पहुंचाना, नशे में उसका फायदा ना उठाकर महान बनना। इस तरह हीरोइन के शराब पीने से हीरोइन का इम्पल्सिव बिहेवियर और हीरो का पौरुष और उदारता एस्टेब्लिश होते हैं। इसलिए शराबी लड़कियों के रेप होते हैं। लगातार फिल्मों से ही हमें बताया जाता है कि शराब पी हुई लड़की का शरीर अलेबल होता है, वो खुद पर काबू खो चुकी होती है। ऐसे में लड़के तो उसकी ओर आकर्षित होंगे ही, खासकर तब जब लड़की नशे में होने के बाद वो अपनी जैकेट वगैरह उतार कर फेंक दे। शराब, रेप और यौन शोषण के मसलों पर विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे सही तरीका है। शराब पीना पुरुष को नियंत्रण देना है, इसलिए शराब पीते ही औरत 90% गुनाह कर चुकी होती है। रेपिस्ट को बस बचा हुआ 10% काम करना होता है। आउट ऑफ कंट्रोल लड़कियां, मर्सिडीज गाड़ी से चल रही नशे में धोत लड़की ने बाइक को टक्कर मारी। शराब पीकर लड़कियों ने बस सुलूकी की, पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। बांद्रा इलाके में महिला ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में लड़कियों ने ऐसा हंगामा किया कि सड़क पर जाम लग गया। सहारा माल के सामने एक दूसरे पर टूट पड़ी लड़कियां सुध बुध खोकर लड़ती रही। खुले मैदान में जज्बात बाहर आए, ये कुछ लाइंस हैं न्यूज टीवी के उन प्रोग्राम से जो नशे में झगड़ा करती लड़कियों पर बने हैं। ये कम है, ऐसे प्रोग्राम हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी न्यूज चैनल पर दिख सकते। ड्रंक ड्राइविंग अपराध है, शराब पीकर आप शब्द कहना भी खराब है, किसी को चोटिल करना इससे भी खराब है, मगर ऐसा जब पुरुष करते हैं तो उसमें किसी न्यूज चैनल को कोई न्यूज वैल्यू नहीं दिखती। शराब पी हुई महिला सॉफ्ट पॉर्न की तरह है, उसके हंगामा करते हुए पूरा देश देखता है कि देखे क्या हरकत करेगी। बिखरे बाल होंगे, छोटी ड्रेस होगी, कूद फांद करेगी तो उसकी बॉडी का अच्छा लुक मिलेगा। औरत और शराब, भाषा, कला और साहित्य में औरत के जीवन में शराब की भूमिका नहीं है। जिस औरत के जीवन में शराब की भूमिका है वो एक अपवाद है। शराब और औरत की भूमिका एक साथ पुरुष की जीवन में दर्ज होती है। बड़ी सहजता के साथ शराब और शबाब जैसे फ्रेज इस्तेमाल करते हुए हम भूल जाते हैं कि इस भाषा के केंद्र में पुरुष है। नायिका जब कामुक और चरित्रहीन होती है तो नायक के लिए वो शराब की सहेली होती है, जैसे अंगूर का दाना या तंदूरी मुर्गी। जब यही महिला घरेलू होती है तो वो पति की शराब छुआ कर उसका जीवन संवारने वाली बन जाती। औरत शराब पीने वाली नहीं होती, या तो वो पिलाने वाली होती है या फिर पीने की वजह होती है। इसलिए वो शेरो शायरी में या तो शाकी के तौर पर दर्ज है या प्रेमिका के तौर पर। अब क्रिस फोर मूवी की कहानी इन सारी वर्जनाओं को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि राकेश रोशन क्रिस फोर की कहानी में एक ऐसा किरदार लिख रहे हैं जो लड़कियों के देखने का नजरिया बदल देगा। क्रिस फोर में क्यों नजर नहीं आएंगी प्रियंका चोपड़ा? किस एक्ट्रेस ने छीनी प्रियंका चोपड़ा की जगह क्रिस फोर की? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। क्रिश 4 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में फिल्म वॉर से कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ऋतिक रोशन एक बार फिर अपनी फेमस फ्रेंचाइजी क्रिश के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार उनकी फीमेल जोड़ीदार होंगी कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण, और उसी जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म क्रिश 4 के लिए दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की बात फाइनल हो जाती है तो पहली बार होगा कि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। पहले भी खबरें आई थीं कि फराह खान की आगामी फिल्म सत्ते पे सत्ता के रिमेक में दोनों की जोड़ी नजर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब क्रिश 4 की जोड़ी से इंतजार खत्म हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका का क्रिश 4 में आना लगभग तय है। हालांकि अभी तक दीपिका पादुकोण को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चोपड़ा पहले सभी क्रिश फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और पिछली बार कंगना रनौत भी ऋतिक रोशन के साथ दिखाई दी। अब माना जा रहा है कि इस बार दीपिका पादुकोण फिल्म का हिस्सा होंगी। ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन दीपिका को इस रोल के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन दीपिका का रोल उनकी मौजूदगी के काबिल होना चाहिए, तभी वो इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए राजी होंगी।
बता दें कि क्रिश की 3 फिल्में आ चुकी हैं, हर बार कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल क्रिश की शुरुआत फिल्म कोई मिल गया से हुई थी, जिसके बाद से फिल्म लगातार आगे चल रही है। अभी फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के साथ आप इस बार दीपिका पादुकोण को देखना पसंद करेंगे या पहले की तरह प्रियंका चोपड़ा को? हम सबके पसंदीदा सुपर हीरो क्रिश यानी कि ऋतिक रोशन जल्द ही धमाका करने जा रहे हैं। जी हाँ, लगता है वॉर और सुपर 30 फिल्म की सफलता का कुछ ज्यादा ही जोश उभर आया है उनमें, तभी तो लगातार फिल्में साइन करते चले जा रहे हैं। तो उनके पिता राकेश रोशन क्रिश 4 को धमाकेदार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फिल्म से जुड़ी ऐसी खबर सामने आती है कि लोग एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं। अभी हाल ही में पता चला कि फिल्म के विलेन खुद ऋतिक रोशन होने वाले हैं। अब अगर इस बात पर विचार किया जाए कि फिल्म के विलेन और हीरो दोनों ऋतिक रोशन होंगे, तो अगर फिल्म की एक्साइटमेंट और फिल्म में एंटरटेनमेंट का लेवल ही नहीं रहा तो क्या मजा आएगा फिल्म का। शायद यही वजह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विलन की भूमिका के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कई फिल्मों में अच्छे विलन की भूमिका निभाई है। किक में उन्होंने दमदार भूमिका निभाई थी सलमान खान के ऑपोजिट। वहीं क्रिश फ्रेंचाइजी की आने वाली फिल्म के एक्शन की भी बात करें तो वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर इस बार होने वाला है। एक्शन सीन कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स को लाया जाएगा। फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन होगा। क्रिश 4 को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है ताकि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म बड़ा धमाका कर सके। सभी जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी की रिलीज हुई अब तक सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है और ऋतिक रोशन को सभी ने खूब पसंद किया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जब से दर्शकों को इस बारे में पता चला है कि विलेन की भूमिका में ऋतिक रोशन नजर आएंगे, उन्होंने पोस्टर्स उनके लुक क्रिएट करने भी शुरू कर दिए हैं। लगातार पोस्ट पर पोस्ट की जा रही हैं और काफ़ी अच्छा लुक भी दिया है उन्होंने अपने सुपरस्टार को यानी कि ऋतिक रोशन को। तो दूसरी ओर दर्शकों की रुचि इस फिल्म में ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि राकेश रोशन इसे बाहुबली की तर्ज पर बनाने वाले हैं, यानी कि दो फिल्में एक साथ शूट की जाएंगी और बाहुबली की तरह ही एक साल के अंतराल में रिलीज भी की जाएगी। और जहां पुरानी फिल्मों में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड एक्ट्रेस रही हैं, तो इस बार किसी न्यू कमर की एंट्री होने वाली है। वहीं अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी, तो उसके लिए किसी नई हीरोइन को तो अवश्य लिया जाएगा। क्योंकि दो फिल्में एक साथ बन रही हैं तो सीरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे भी नजर आएंगे। साथ ही ये भी सुनने को मिला कि फैंस चाहते हैं कि ऋतिक रोशन खुद विलन की भूमिका निभाए, इसीलिए तो उन्होंने पोस्टर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ऋतिक रोशन ही खुद विलन की भी भूमिका निभाए? क्या आपने भी कोई पोस्टर बनाया है? हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। क्रिश 4 का टीजर कब आ रहा है? क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। काफी समय से पूरी कायनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। फैंस इन दो सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीपिका पादुकोण क्रिश सीरीज की अगली हीरोइन होगी। अगर फिल्म में दीपिका पादुकोण है तो उस मुताबिक रोल भी होना चाहिए। ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गर्ल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिश की सुपर पावर को पूरी तरह से टक्कर दे सके। इससे पहले क्रिश सीरीज में प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दिखाई दे चुकी हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की स्टारडम को 4 चांद लग जाएगा। वहीं दीपिका को काफी समय बाद किसी ग्लैमरस रोल में देखा जाएगा। पहले अफवाह थी कि इस फिल्म को संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, लेकिन संजय गुप्ता ने साफ कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे। संजय गुप्ता ने ऋतिक रोशन के फिल्म काबिल का भी डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में ऋतिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे। सुपर हीरो की कहानियां बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन? ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैवीय अथवा अद्भुत शक्तियां होती हैं जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचलित है, इन्हें फरिश्ता भी कहा जाता है।
इन फरिश्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान है। इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की सादगी उसे सबसे अलग बनाती है। मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मविश्वास बनाए रखें तो मोगैम्बो जैसे बुरी शक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं। भले हमारे पास सुपर पावर ना हो लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मविश्वास के पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे भारतीय सुपर हीरो में देखा जाए तो आर्यमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावण, क्रिस, मिस्टर इंडिया, शक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अगर बाहर के सुपरमैन की बात किया जाए तो जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डेयर डेविल, बैटमैन, डोरेमोन जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यही वजह है कि राकेश रोशन क्रिस फोर का निर्माण करना चाहते हैं। अब वो क्रिस फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस फिल्म का निर्माण एवेंजर्स इन्फिनिटी वार की तर्ज पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। राकेश रोशन की जगह कौन डायरेक्ट कर सकते हैं क्रिस फोर, और इंडिया के वो कौन से सुपर हीरोज हैं जिन्होंने किया था हम सब के दिलों पर राज। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, पिछले काफी टाइम से ऋतिक रोशन की क्रिस फोर का इंतजार किया जा रहा है। अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट की राइटिंग टीम में संजय गुप्ता भी शामिल है। लेकिन हाल ही में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में संजय गुप्ता से पूछा गया कि क्या वो क्रिस फोर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे, क्योंकि क्रिस उन्हीं की फ्रेंचाइजी है। अब देखना ये होगा कि क्या ऋतिक रोशन को भी वही डायरेक्ट करेंगे। खैर दोस्तों, ये तो थी क्रिस फोर की बात, लेकिन क्या आपको याद है वो सुपर हीरोज जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं, वो सुपर हीरोज जिन्होंने हमें छोटी मगर मोटी बातें सिखाई, वो सुपर हीरोज जिन्होंने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया। चलिए आज उन्हीं सुपर हीरोज को याद कर लेते हैं। दोस्तों, शक्तिमान। शक्तिमान भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल था। शक्तिमान को हर कोई अपने सबसे करीब मानता था। इस सीरियल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। शक्तिमान भारत का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो था। इस किरदार को देखने के लिए बच्चों में बहुत क्रेज था और वो दीवानों की तरह इसे पसंद किया करते थे। लेकिन बाद में कुछ कारणों से इस शो को बंद कर दिया गया और उस वक्त हम सब का दिल टूट गया। उसके बाद आया आर्यमान। ब्रह्मांड को बचाने के इरादे से आया आर्यमान बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में छा गया। हालांकि आर्यमान को शक्तिमान से कड़ी टक्कर मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद आर्यमान ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी पाई और बच्चों को दीवाना कर दिया था। आर्यमान के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी जिसकी नकल बच्चे घरों पर किया करते थे। हालांकि आर्यमान की कहानी अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स से मिलती जुलती थी। फिर आया ऐसा शो जिसमें मेल नहीं बल्कि फीमेल सुपर हीरो थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। वो सुपर हीरो जो मुमकिन को नामुमकिन कर देती थी और नामुमकिन को मुमकिन। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सोन परी की बात कर रही हूँ। दोस्तों, इस सीरियल ने टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया और जमकर धूम मचाई। सीरियल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीरियल को कई भाषाओं में दिखाया जाता था। इस सीरियल में अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को दिखाया गया था, जिससे सबको सीख तो मिलती ही थी, साथ ही एंटरटेनमेंट भी होता था। दोस्तों, वो हमारी सुपर हीरोज की दुनिया जहाँ हम उन जैसा बनने की कोशिश किया करते थे। और मेरे एक दोस्त ने तो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम भी लिया था और वो उसे पहनकर खुद को शक्तिमान समझ लेता था। क्रिस फोर और फाइव को बनाने को लेकर राकेश रोशन ने जो सोच लगाई है, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है? तलाक के 6 साल बाद क्यों साथ आए ऋतिक और सुजैन खान? हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म क्यों होने जा रही है क्रिस फोर और क्रिस फाइव? क्रिस फोर को अंग्रेजी में बनाने की प्लानिंग क्यों की जा रही है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राफ के फिल्मी गलियारे में। राकेश रोशन नई फिल्म ला रहे हैं क्रिस फोर और फाइव।
राकेश रोशन ने 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत की थी। बाद में इसकी दो सीक्वल फिल्में क्रिश 2006 और क्रिश 3 2016 में आई। इसी क्रिश सीरीज में ताजी हलचल हो रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने घोषणा कर दी है कि वे एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिश 4 और क्रिश 5। यही नहीं, राकेश रोशन अब फिल्म क्रिश 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े स्तर पर फिल्माने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिश 4 के कुछ एक्शन दृश्य फिर से लिखे गए हैं और इनका स्तर ऋतिक की फिल्म वार के बराबर ले जाने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सीनियर रोशन ने अपने इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए के करीब रखा है और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रही है। यही नहीं, क्रिश 4 का अंग्रेजी संस्करण भी बनेगा और इस बार इसका लुक पूरी तरह इंटरनेशनल बाजार के मुताबिक रखा जाएगा। कोरोना की वजह से क्रिश 4 और क्रिश 5 की कहानी में और भी चेंजेस किए जा रहे हैं। मेकर्स कोरोना का फायदा उठा करके इसके स्क्रिप्ट को और टाइट कर रहे हैं और इसका स्क्रीन प्ले कहा जा रहा है कुछ सीन का फिर से लिखा जा रहा है। कोरोना की वजह से सब लोग घरों में बंद हैं, क्योंकि अगर 2021 देखना है तो 21 दिन घर में ही बिताना पड़ेगा। इसी समय ऋतिक रोशन एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। इस पोस्ट में एक फोटो है और साथ में लंबी चौड़ी प्यारी बातें। उस फोटो पर नजर आ रही है ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान। वो वापस ऋतिक के साथ आ गई है अगले 21 दिनों के लिए, ताकि इतने लंबे समय तक उनके दोनों बच्चे मम्मी या पापा से मिल रहे। पहले ऋतिक का वो इंस्टा पोस्ट देखिए, फिर हम इसमें लिखी बातों को शॉर्ट में समझाते हैं। बेसिकली अपने इस पोस्ट में ऋतिक बता रहे हैं कि एक पिता के तौर पर इस देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के साथ न रह पाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। एक माता पिता जो अपने बच्चों की आधी आधी कस्टडी रखते हैं, उनके लिए समस्या ये है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल दिए बिना वो अपने बच्चों के करीब कैसे रह सकते हैं। ऋतिक इसमें आगे जोड़ते हैं, ये सुजैन मेरी पूर्व पत्नी की तस्वीर है, जिन्होंने टेम्पररी तौर पर अपना घर छोड़ दिया है ताकि हमारे बच्चों को अनिश्चित काल तक हम दोनों में से किसी एक से अलग ना रहना पड़े। थैंक यू सुजैन इतनी मदद के लिए, हमारी जर्नी को समझने के लिए। हमारे बच्चे यही कहानियां सुनाएंगे जो हम उनके लिए बनाएंगे। सुजैन खान पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। वो बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की बेटी भी है। दिसंबर 2000 में ऋतिक और सुजैन की शादी हुई। इस कपल के दो बेटे हैं, रेहान और रिदान। 2014 में ऋतिक और सुजैन ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। हालांकि दोनों अब भी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। अगर ऋतिक की बात करें तो 2 साल के गैप के बाद 2019 में उनकी दो फिल्में रिलीज हुई। बिहार बेस्ड मैथमेटिशियन आनंद कुमार के बायोपिक सुपर 30, जिसे क्रिटिक्स ने पसंद किया, और वार, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर के साथ दिखाई दिए। वार 2019 की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म साबित हुई। अब क्रिश 4 और क्रिश 5 पर काम शुरू हो गया है। क्रिश 4 का टीजर कब आ रहा है? क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। काफी समय से पूरी कायनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। फैंस इन दो सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण क्रिश सीरीज की अगली हीरोइन होगी। अगर फिल्म में दीपिका पादुकोण है तो उस मुताबिक रोल भी होना चाहिए। ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गर्ल का किरदार लिखा जा रहा है, जो क्रिश की सुपर पावर को पूरी तरह से टक्कर दे सके। इससे पहले क्रिश सीरीज में प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दिखाई दे चुकी हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की स्टारडम को 4 चांद लग जाएगा। वहीं दीपिका को काफी समय बाद किसी ग्लैमरस रोल में देखा जाएगा। पहले अफवाह थी कि इस फिल्म को संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, लेकिन संजय गुप्ता ने साफ कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे। संजय गुप्ता ने ऋतिक रोशन के फिल्म काबिल का भी डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में ऋतिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे। सुपर हीरो की कहानियां बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन? ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैवीय अथवा अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचलित है। इन्हें फरिश्ता भी कहा जाता है। इन फरिश्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। जिसने बुरे लोगों को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं, भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान है। इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया।
बॉलीवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की सादगी उसे सबसे अलग बनाती है। मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है, यदि हम खुद का आत्मविश्वास बनाए रखें तो मोगैम्बो जैसे बुरी शक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं। भले हमारे पास सुपर पावर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मविश्वास के पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे भारतीय सुपर हीरो में देखा जाए तो आर्यमान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावण, क्रिस, मिस्टर इंडिया, शक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अगर बाहर के सुपरमैन की बात किया जाए तो जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डेयर डेविल, बैटमैन, डोरेमोन जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यही वजह है कि राकेश रोशन क्रिस फोर का निर्माण करना चाहते हैं। अब वो क्रिस फोर को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस फिल्म का निर्माण एवेंजर्स इन्फिनिटी वार की तर्ज पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इस बार क्रिश 4 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या फाइनली कोई मिल गया के बाद क्रिश 4 से होने जा रही है जादू की वापसी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो राकेश रोशन जी से हमारा एक सवाल है कि जादू कहाँ है। 2003 में फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी जब हमें जादू देखने को मिला। एक दूर ग्रह से जीव धरती पर आता है जो नीले रंग का है, जिसका नाम सब जादू रखते हैं। वो शरीर में बड़े लेकिन उम्र में छोटे रोहित को असीम शक्तियां देता है, जिसके बाद वो गजब का डांस करने लगता है, उसकी मसल्स बन जाती है, गजब की फाइट करता है, जिसके बाद बड़ी ही बेदर्दी से उस एलियन को वापस उसके ग्रह भेज दिया जाता है, जिसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया गया। हालांकि जब 2006 में इसका सीक्वल आया तो रोहित अपने पापा के पुराने कंप्यूटर के थ्रू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है और दूर आसमान में कहीं जादू का स्पेसशिप भी नजर आता है। लेकिन उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आया, लेकिन उसमें भी जादू का कोई अता पता नहीं था। तो फाइनली इसका फोर्थ पार्ट आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों साथ में लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन। तो एटलीस्ट इस बार तो जादू की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इस बात से ना आप इनकार कर सकते हैं और ना ही राकेश रोशन जी कि कोई मिल गया जब फिल्म आई थी, जितना इम्पोर्टेंट रोल ऋतिक रोशन का था उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था जादू का। क्योंकि जादू के आने से पहले हालांकि ऋतिक रोशन की बेहतरीन एक्टिंग ने सबको बांधे रखा था, काफी कॉमेडी भी थी फिल्म में, लेकिन जादू के आने के बाद ही तो फिल्म में मसाला आता है। जब ट्विस्ट आता है तो इतने इम्पोर्टेंट रोल को कोई कैसे भूल सकता है। और जहां इस बार कहा भी जा रहा है कि फिल्म की कहानी में भी राकेश रोशन चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व भर में तहलका मचा हुआ है और दुनिया नष्ट होने तक की बात कह दी गई, तो ऐसे में राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जादू अपने ग्रह से आता है और क्रिश के साथ मिलकर पूरी सृष्टि को बचाता है। ये आइडिया काफी एक्साइटिंग रहेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रह से कुछ बुरे जादू आ जाते हैं, जिसके बाद जादू आता है और वो क्रिश के साथ मिलकर उन बुरे जादू से पूरी दुनिया को बचाता है, जैसा कि हमने हॉलीवुड फिल्म द फैंटास्टिक फोर और ट्रांसफॉर्मर्स में देखा था। वो फिल्में भी काफी ब्लॉकबस्टर हिट थी। या फिर कुछ ऐसा करें कि क्रिश का बेटा, जैसा कि आपने क्रिश 3 में देखा कि उसके बेटे ने भी जन्म ले लिया है और उसमें भी शक्तियां हैं, तो क्यों ना बाप बेटे की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया को बचाए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक किसी फिल्म में भी नहीं लिया गया। हालांकि कार्टूनिस्ट फिल्म में ऐसा देखने को मिला है जो हाल ही में रिलीज हुई थी, द लॉयन किंग, जिसमें शाहरुख खान ने भी वॉइस ओवर दिया था। तो इस तरह से आप बच्चों का ध्यान भी अपनी ओर काफी ज्यादा खींच सकते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ एक और भी शिकायत है कि प्लीज क्रिश की ड्रेस बदल दीजिए। हमने कितने सारे सुपर हीरो देखे हैं, सबसे बुरी ड्रेस में क्रिश की लगती है। अब क्रिश को लड़ना होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है, कलाबाजियां खानी होती है, न जाने कितनी बार उस लबादे से अपना क्रिश गिरता फिरता बचा होगा।
दूसरा इतनी गर्मियां पड़ती है मुंबई में, वो अपनी पत्नी यानी प्रियंका के साथ और बच्चे के साथ रहता है तो उसे ह्यूमिडिटी नहीं होगी। प्लीज यार उसकी ड्रेस बदल दीजिए। इतने हमने मार्वल के सुपर हीरोज देखे, कितनी बेहतरीन ड्रेसेस बनाई गई हैं सुपर हीरोज की, तो इस बार तो सुपर हीरो की ड्रेस में कुछ चेंजेस होने चाहिए। और जैसा कि क्रिश 3 में बेटा भी जन्म ले चुका है तो ऑब्वियसली बात है दोनों बाप बेटे को तो दिखाया ही जाएगा, तो कुछ अच्छी सी यूनिक सी ड्रेस इस बार राकेश रोशन ला सकते हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि जो भी सुपर हीरो वाली फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं कहीं ना कहीं हॉलीवुड से ही प्रेरणा ली जाती है, तो हमारा यही कहना है कि राकेश रोशन ये थोड़ा गंभीरता से सोचना कि इस बार आप किसकी कॉपी करने वाले हैं। पहली फिल्म में आपने स्पीलबर्ग का आइडिया लिया, दूसरी फिल्म में आपका विलन भविष्य में देखने वाली मशीन बना बैठा, इसे भी 2-3 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में देखा जा चुका है। तीसरी फिल्म में आपने कमाल ही कर दिया, आप म्यूटेंट ले आए, अब एक्समैन वुल्वरीन का कॉन्सेप्ट कहाँ फिट होता है एक सोलो सुपर हीरो वाले काल में। कोशिश करिए कि इसे बैटमैन सीरीज की फिल्मों जैसा बनाएं, जहाँ बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट की जरूरत नहीं। बैटमैन सीरीज में क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्में बनाई कुछ वैसा वैसा। अगर वयस्कों को नहीं बच्चों को ही टारगेट करना है तो हल्क वाले मैनरिज्म डाल दो क्रिश में, आयरन मैन वाले वन लाइनर भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब चूंकि शक्तियों के मामले में वो थॉर जैसा है तो कुछ वहां से ले लेना, बस म्यूटेंट मत लाना और कुछ भी करना। वेल दोस्तों, ये जितना भी आइडिया जितनी भी बातें हमने आपको बताई, क्या आप भी इन चीजों से सहमत है? कितनी बातों से आप सहमत है और इसमें और क्या अच्छे चेंजेस किए जा सकते हैं स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? आपके भी दिमाग में कुछ आइडियाज तो जरूर होंगे, 3-3 फिल्में इसकी आप भी देख चुके हैं, तो अब क्रिश 4 और क्रिश 5 में आप क्या नया देखने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें हमारे साथ। क्रिश 4 का टीजर कब आ रहा है? क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। काफी समय से पूरी कायनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। फैंस इन दो सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है क्योंकि दीपिका पादुकोण क्रिस रीज की अगली हीरोइन होगी। अगर फिल्म में दीपिका पादुकोण है तो उस मुताबिक रोल भी होना चाहिए। ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गर्ल का किरदार लिखा जा रहा है जो क्रिस की सुपर पावर को पूरी तरह से टक्कर दे सके। इससे पहले क्रिस सीरीज में प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दिखाई दे चुकी हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की स्टारडम को 4 चांद लग जाएगा। वहीं दीपिका को काफी समय बाद किसी ग्लैमरस रोल में देखा जाएगा। पहले अफवाह थी कि इस फिल्म को संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, लेकिन संजय गुप्ता ने साफ कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे। संजय गुप्ता ने ऋतिक रोशन के फिल्म काबिल का भी डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में ऋतिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे। सुपर हीरो की कहानियां बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन? ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैवीय अथवा अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचलित है, इन्हें फरिश्ता भी कहा जाता है। इन फरिश्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। जिसने बुरे लोगों को नहीं बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान है। इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की सादगी उसे सबसे अलग बनाती है। मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है यदि हम खुद का आत्मविश्वास बनाए रखें तो मोगैम्बो जैसे बुरी शक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं। भले हमारे पास सुपर पावर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मविश्वास के पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे भारतीय सुपर हीरो में देखा जाए तो आर्मान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावण, क्रिस, मिस्टर इंडिया, शक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अगर बाहर के सुपरमैन की बात किया जाए तो जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डेयर डेविल, बैटमैन, डोरेमोन जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यही वजह है कि राकेश रोशन क्रिश 4 का निर्माण करना चाहते हैं। अब वो क्रिश 4 को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस फिल्म का निर्माण एवेंजर्स इन्फिनिटी वार की तर्ज पर किया जाएगा।
माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस फिल्म का टीजर भी राकेश रोशन क्रिश 4 के साथ क्रिश 5 क्यों बनाना चाहते हैं। और तलाक के बाद भी ऋतिक रोशन ने अपनी पत्नी सुजैन खान से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, SS राजामौली ने जब से बाहुबली के दो भाग बनाए हैं, कई फिल्मकारों का सपना रहा है कि वो ऐसी ही फिल्म बनाएं। राकेश रोशन ने भी अपनी हिट क्रिश सीरीज के लिए बाहुबली फॉर्मूला ढूंढ लिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बनाकर कुछ अंतराल के बाद रिलीज किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली पहले भाग को द बिगनिंग और दूसरे को कंक्लूजन के नाम से रिलीज किया गया था। ऋतिक रोशन ने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में हाल ही में कहा कि क्रिश 4 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फिल्म के बारे में हालांकि वो कुछ भी कहने से बचते ही नजर आए। इस बारे में बताते हुए ऋतिक रोशन ने कहा, कुछ नहीं, बताने के लिए अभी बहुत समय है। वैसे बॉलीवुड में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी तो अक्सर देखने और सुनने को मिल ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो टूटने के बाद भी बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता है एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के बीच। इन दोनों ने काफी संजीदगी से एक दूसरे से तलाक लिया था, हालांकि रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। हाल ही में इस कपल के बीच में कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली। ये दोनों पूरी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने निकले थे। इस दौरान किसी फैमिली मेंबर की ही तरह सुजैन ने इस वेकेशन की फोटो शेयर की है। ऋतिक रोशन अपने पूरे परिवार और एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ न्यू ईयर वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस पहुंचे थे। इस दौरान उनके दोनों बच्चे भी साथ दिखाई दिए। इस ट्रिप में उन्होंने आल्प्स पर्वत में स्नो स्कीइंग भी की और काफी मस्ती भी की। वहीं अब सभी इस वेकेशन से लौट आए हैं, लेकिन मालूम होता है कि सुजैन इस मस्ती को काफी मिस कर रही हैं, जिसके चलते हाल ही में उन्होंने इस वेकेशन की बेहद शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपने एक्स पति ऋतिक रोशन के साथ तो दिख ही रही हैं, साथ में कई और लोग भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों का कैप्शन भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है, मॉडर्न फैमिली, दो बेटे, एक माँ और एक पिता, कजिन्स और भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड अंकल आंटी और दो दोस्त, नए रिश्ते और खुशियों से भरा हुआ दिल। इन तस्वीरों के साथ सुजैन ने बेहद खूबसूरती से नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। फोटोज की बात करें तो इनमें से एक में सुजैन ऋतिक और कुछ दोस्तों के साथ किसी बार में दिखाई दे रही हैं, तो एक अन्य में वो एक्स पति के साथ स्नो स्कीइंग करती नजर आ रही हैं। सुजैन ऋतिक की बहन सुनैना रोशन के साथ भी काफी मस्ती करती हुई दिखाई दी। इस वेकेशन को ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी अपनी वाइफ के साथ काफी एंजॉय करते दिखाई दिए। इन तस्वीरों और कैप्शन को देखकर लगता ही नहीं कि सुजैन कभी ऋतिक से अलग भी हुई हैं। बात करें इनके रिश्ते की तो सुजैन ने 1 नवंबर 2014 में ऋतिक रोशन से तलाक ले लिया था। इस तलाक के पीछे कोई वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे। उसी दौरान ऋतिक और कंगना रनौत का विवाद हुआ था, जिसके बाद इस तलाक को इस विवाद से जोड़कर देखा गया। लेकिन तलाक के बाद भी हर मुश्किल समय में सुजैन ऋतिक के साथ खड़ी नजर आई थी। उन्होंने कई मौकों पर अपने एक्स पति को डिफेंड भी किया था। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोरोना वायरस की वजह से क्या फिर से लिखी जाएगी क्रिश 4 की कहानी? क्या 7 साल पहले आई फिल्म क्रिश 3 में दिखाई गई थी कोरोना वायरस की झलक? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। ऋतिक रोशन की सुपर हिट सीरीज क्रिश फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई है। वजह है फिल्म में 7 साल पहले दिखाया गया वायरस। ऋतिक रोशन के पापा ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और इस कहानी में वायरस अटैक एक अहम ट्रैक था। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे नामीबिया से शुरू हुआ एक वायरस का असर मुंबई तक आ जाता है और लोग इस वायरस के आतंक से मरने भी लगते हैं। फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि मुंबई में फैला वायरस बायोलॉजिकल वेपन था और इसे फिल्म में पैसा कमाने के लिए फैलाया गया था। लेकिन इससे पहले कि फिल्म का मेन विलेन यानी कि काल इसके एंटीडोट को बेचता, क्रिश के पापा यानी कि साइंटिस्ट रोहित इस वायरस का एंटीडोज बना लेते हैं और इस तरह मुंबई को इसके कहर से बचा लेते हैं। क्रिश 3 उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी
और अब भी उसी तरह के हालात बन चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारी जिंदगी से जुड़ चुका है, सिर्फ फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रह गया। काफी लोग इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस भी लैब में ही तैयार किया गया एक वायरस है, जिसे जानबूझकर लैब से लीक किया गया। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये बायोलॉजिकल वेपन साइंटिस्ट की गलतियों से लैब से निकला है। कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर माहौल काफी डरावना हो चुका है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स इस ऑब्जेक्ट पर अब फिल्म बनाने को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस क्रिश 3 में पहले ही ऐसे मिलते जुलते वायरस का ट्रैक दिखाया जा चुका है, क्या क्रिश के अगले इंस्टॉलमेंट में इसी पैटर्न पर कोरोना वायरस की कहानी शामिल की जाएगी? राकेश रोशन तो काफी लंबे समय से क्रिश 4 के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसकी कहानी पर लगातार काम कर रहे हैं, और अब जो हालात बन चुके हैं इस लिहाज से देखा जाए तो क्रिश 4 के सुपर हीरो पर कोरोना वायरस की कहानी काफी जम सकती है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में ऋतिक रोशन का स्टारडम भी काफी बढ़ा है। काबिल फिल्म हो चाहे सुपर 30, इन फिल्मों से ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के एक नए सुपरस्टार के तौर पर उभरे हैं। क्रिश 4 ऋतिक की एक ऐसी मच अवेटेड फिल्म है जिसके लिए लोग काफी बेकरार हैं। हालांकि राकेश रोशन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा भी हैं कि कुछ लोग कोरोना वायरस के नाम पर ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है को इनकैश करना चाहते हैं। अब साथ ही ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, जब कोरोना वायरस का कहर थमेगा तब क्या राकेश रोशन क्रिश 4 की कहानी में इस खतरनाक सच्चाई और इस वायरस को शामिल करते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्रिश 4 की कहानी में कोरोना वायरस को शामिल करना चाहिए? अगर इसे शामिल किया जाता है तो क्या ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट होगा? क्रिश 4 का टीजर कब आ रहा है? क्रिश 4 को एवेंजर्स की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। काफी समय से पूरी कायनात केवल दो लोगों को मिलाने में लगी हुई है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। फैंस इन दो सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए तरस गए हैं, लेकिन अब उनकी मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण क्रिश रीज की अगली हीरोइन होगी। अगर फिल्म में दीपिका पादुकोण है तो उस मुताबिक रोल भी होना चाहिए। ऐसे में उनके लिए एक दमदार सुपर गर्ल का किरदार लिखा जा रहा है, जो क्रिश की सुपर पावर को पूरी तरह से टक्कर दे सके। इससे पहले क्रिश रीज में प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत दिखाई दे चुकी है। ऐसे में दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म की स्टारडम को चार चांद लग जाएगा। वहीं दीपिका को काफी समय बाद किसी ग्लैमरस रोल में देखा जाएगा। पहले अफवाह थी कि इस फिल्म को संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, लेकिन संजय गुप्ता ने साफ कहा है कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूं। इसके अलावा फिल्म के बारे में जो भी फैसला लेंगे वो राकेश रोशन लेंगे। संजय गुप्ता ने ऋतिक रोशन के फिल्म काबिल का भी डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में ऋतिक के साथ यामी गौतम लीड रोल में थे। सुपर हीरो की कहानियां बच्चों में कैसे लाती हैं परिवर्तन? ऐसा कहा जाता है सुपर हीरो के पास दैवीय अथवा अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो लोगों और समाज की भलाई के लिए काम करती हैं। सिनेमा जगत में ये काफी प्रचलित है, इन्हें फरिश्ता भी कहा जाता है। इन फरिश्तों को बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। जिसने बुरे लोगों को नहीं, बुराई को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, वो कोई और नहीं भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान है। इसके बाद कई सुपर हीरो ने लोगों का दिल जीत लिया। बॉलीवुड के सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे मिस्टर इंडिया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान से सुपर हीरो बनता है और बच्चों से बहुत प्यार करता है। मिस्टर इंडिया की सादगी उसे सबसे अलग बनाती है। मिस्टर इंडिया ये भी सिखाता है, यदि हम खुद का आत्मविश्वास बनाए रखें तो मोगैम्बो जैसे बुरी शक्तियों को आसानी से हरा सकते हैं। भले हमारे पास सुपर पावर ना हो, लेकिन अपने भीतर छुपे आत्मविश्वास के पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। वैसे भारतीय सुपर हीरो में देखा जाए तो आर्मान, फ्लाइंग जट, जूनियर जी, रावण, क्रिश, मिस्टर इंडिया, शक्तिमान, तूफान, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अगर बाहर के सुपरमैन की बात किया जाए तो जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डेयर डेविल, बैटमैन, डोरेमोन जैसे सुपर हीरोज को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। यही वजह है कि राकेश रोशन क्रिश 4 का निर्माण करना चाहते हैं। अब वो क्रिश 4 को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस फिल्म का निर्माण एवेंजर्स इन्फिनिटी वार की तर्ज पर किया जाएगा।
माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वो कुछ भारतीय फिल्में हैं जो सुपर हीरो के जॉनर में बनी हैं। दोस्तों अब भावेश जोशी में भले ही सुपर हीरो वाली कोई पावर ना हो, पर वो बैटमैन जैसे सुपर हीरो तो है ही, जिसमें कोई दैवीय शक्तियां नहीं है, लेकिन उसने खुद को अभ्यास कर करके इस लायक बनाया है। भारत में अब निरंतर सुपर हीरो वाली मूवीज बन रही हैं, लेकिन अमेरिकी सुपर हीरो फिल्मों से प्रभावित होकर कोई पहला मुकम्मल इंडियन सुपर हीरो लाने वाला और कोई नहीं, वो है राकेश रोशन। उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत की थी और उसके बाद दो फिल्मों के सीक्वल बने, 2006 में क्रिश और 2016 में क्रिश 3। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के एक लड़के की कहानी थी, जो उम्र में तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वजह से उसे सभी लोग परेशान करते हैं। लेकिन एक दिन एक एलियन धरती पर आता है, वो है जादू, और वो जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है। दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है, क्योंकि रोहित की माँ कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त होती है और रोहित को शक्ति दे के जाने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है, इसलिए वो उसका नाम कृष्णा ही रखती है और अपने पिता की तरह ही उसमें काफी सारी शक्तियां होती हैं। और जब वो मास्क पहनकर लोगों की मदद करने के लिए उतरता है तो उसे लोग क्रिश कहते हैं। और अब इसी क्रिश सीरीज में ताजी हलचल हो रही है और वो ये कि डायरेक्टर राकेश रोशन ने ये घोषणा कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिश 4 और क्रिश 5। आइए आपको बताते हैं कि अब इन दोनों फिल्मों में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है, अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी ये तय नहीं है कि वो किस रोल में नजर आएंगे। अब वो सलमान खान की किक फिल्म में विलन के रोल में थे और उन्होंने वो किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था, तो अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद क्रिश में भी एक नेगेटिव रोल में ही नजर आएंगे। क्रिश 4 और क्रिश 5 के एक साथ बनने को लेकर एक थ्योरी ये भी लग रही है कि बीते अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक ही कहानी को दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला हिस्सा आ चुका है और दूसरा आएगा, जैसे बाहुबली 1 और 2 में था। आखिर दूसरे हिस्से में होगा क्या, इसकी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों में कि बाहुबली 2 ने पहली फिल्म के इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ कमाई को भी छोटा कर दिया था। और सेम ऐसा ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ भी हुआ था। और अब डायरेक्टर राइटर राकेश रोशन अपनी दोनों क्रिश फिल्मों के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। इन फिल्मों में सुपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे ऋतिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गेविन मिगेल हो सकते हैं। इन्होंने ही क्रिश 3 में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किए थे, जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे। इन दोनों फिल्मों के स्टंट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू को बुलाया जाएगा। अब देखना होगा कि राकेश किन हॉलीवुड फिल्म के क्रू को बुलाते हैं, क्योंकि क्रिश 3 के VFX तो उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज से बनवाए थे। बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों के लिए किसी नई एक्ट्रेस की एंट्री होगी। इससे पहले क्रिश सीरीज की फिल्मों में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही हैं। अब कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी, तो उसके लिए किसी नई हीरोइन को जरूर लाया जाएगा। क्रिश 4 की रिलीज डेट की घोषणा भी राकेश रोशन ने कर दी है, वो 2020 के क्रिसमस पर इसकी रिलीज डेट का टारगेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म तो नहीं रिलीज हो रही, या फिर उनकी फिल्म की शूटिंग कब तक खत्म हो जाएगी। अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी ईरानी, रॉबिन भट्ट, राकेश रोशन, सचिन भौमिक, संजय मासूम और आकर्ष खुराना जैसे लोग रहे हैं, लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किसके होंगे अभी ये कुछ नहीं पता। बॉलीवुड के इकलौते सुपरहिट सुपरहीरो से इश्क कौन लड़ाएगा, कौन सा सुपरहीरो है एक्ट्रेसेस के लिए पनौती, और इस सुपरहीरो की हीरोइन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रेस लगाएगी अपने करियर को दांव पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हिंदी सिनेमा में जैकी श्रॉफ से लेकर टाइगर श्रॉफ तक के बीच तमाम एक्ट्रेस ने सुपर हीरो बनने की कोशिश की, पर सुपर हिट रहा तो बस एक सुपर हीरो यानी कि क्रिश। पर इसकी हीरोइन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सुपर हीरो कृष्णा का सफर अब सीरीज की चौथी फिल्म तक आ पहुंचा है। ऋतिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश 4 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। लेकिन यहाँ मुद्दा ये उठता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हीरोइन। दरअसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रेस अब तक क्रिश की हीरोइन बनी है उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के किस्से से लेकर खुद ऋतिक और कंगना के किस्से तो बॉलीवुड फिल्मों के फैंस को जुबानी याद हो चुके हैं। तो वहीं इसके बावजूद बॉलीवुड की हर बड़ी हीरोइन क्रिश फ्रेंचाइजी का पार्ट जरूर बनना चाहती है। पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चोपड़ा माँ बन चुकी थी, लिहाजा उनके अब हीरोइन बनने के चांस नहीं है।
लेकिन ट्रेड पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हीरोइन बनने के लिए दीपिका पादुकोण का नाम रेस में सबसे आगे है, लेकिन कैटरीना भी है कंपटीशन में। क्रिश 4 के ऐलान की सबसे ज्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाई हार्ड फैंस को हो रही है। डॉक्टर संजय मेहरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे कृष्णा तक होते हुए अब कृष्णा के बेटे रोहित तक आ पहुंची है, यानी कि फिल्म की कहानी अब चौथी पीढ़ी से शुरू होगी। जी हाँ, पिछली फिल्म यानी कि क्रिश 3 में कृष्णा और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित मेहरा ही रखा था। क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तय कर लेगी। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रोड्यूसर्स ने सुपर हीरो फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा कोई सुपर हीरो बॉलीवुड के शौकीनों का दिल नहीं जीत पाया है। सुपर हीरो सीरीज की आखिरी फ्लॉप फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट। दिलचस्प बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी कि जैकी श्रॉफ ने ही बॉलीवुड में सुपर हीरो सिनेमा की शुरुआत की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से, जो कि देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी। 2008 में गोल्डी बहल ने अभिषेक बच्चन को लेकर एक सुपर हीरो ड्रोन गढ़ने की कोशिश की थी, पर 60 करोड़ रुपए खर्च करके भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद शाहरुख खान ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करके खुद सुपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावण में। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हर्ष क्या रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डायरेक्टर यानी कि अनुभव सिन्हा के साथ 5 साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए। और वही माना जा रहा है कि क्रिश 4 को इस बार बाहुबली की तर्ज पर शूट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देना चाहते हैं, जिसके लिए ऋतिक रोशन अपने बच्चों से भी सीख रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों से वीडियो गेम्स के जरिए विलन्स कैसे हो सकते हैं उनके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश 4 में ऋतिक रोशन विलन और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर ये सच में होता है तो ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश 4। राकेश रोशन आजकल तेजी से क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीड हीरोइन के तौर पर फाइनल हो सकती है। इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्टार कास्ट को लेकर जबरदस्त खुलासा किया है। निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना काफी मजेदार रहा। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि प्रियंका क्रिश 4 में भी जरूर होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा। राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी, लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन हमेशा रहेंगी। बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा, यानी कि 2020 और 2021 ऋतिक रोशन के क्रिश धमाके के साथ पक्का होगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश 4 से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया। सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश 4 का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गणेश ने क्रिश वाली मास्क पहनी थी। दोस्तों, वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं। जी हां, फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स को लाया जाएगा। एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्तर पर जाएगी, ऐसा निर्माताओं का मानना है। दोस्तों, वहीं सुपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है, लिहाजा क्रिश 4 को और भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलीवुड की ए लिस्ट हीरोइन होगी और हीरोइन का किरदार काफी दमदार होगा।
हालांकि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है। बता दें ऋतिक फिल्म में न्यू कमर को चाहते हैं। हालांकि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है। दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सुपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश 4 को हीरोइन केंद्रित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी। दोस्तों वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं। राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आकर टिकी है। दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीज डेट की तो निर्देशक राकेश रोशन ने ऋतिक की बहुप्रतीक्षित फिल्म और सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट घोषणा कर दी है। फिल्म साल 2020 के क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी। दोस्तों वहीं दो दो एक्ट्रेस का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में दो एक्ट्रेस का नाम एक साथ नजर आ रहा था। क्रिश 4 में दो एक्ट्रेसेस स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में कैटरीना भी नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। दोस्तों वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, फिल्म क्रिश सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी। माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तैयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। दोस्तों वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवेक ओबरॉय, लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। दोस्तों गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले भी सलमान खान को किक और बजरंगी भाईजान में खा चुके हैं। दोस्तों क्रिश 3 2013 की बॉलीवुड की सुपर हीरो कृष्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है। फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है। फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश 2006 के सुपर नायक कृष्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसकी दोनों पूर्व फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तय किया था। हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रूपांतरित किए बिना राकेश रोशन ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म को केवल 2D में ही जारी किया जाएगा। फिल्म विश्व भर में 1 नवंबर 2013 को जारी की गई। क्रिश 3 को समालोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन ने ट्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड़ 50 लाख का कारोबार किया था। पिछली फिल्म में आपने देखा सिद्धांत आर्य को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित मेहरा को उसकी कैद से छुड़ाकर घर ले जाता है। इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्रिश यानी क्रिश मेहरा अब अपनी दुनिया में लौट आया है जहां वो अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया मेहरा के साथ बहुत खुश है। रोहित भी अब अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने प्रयोग जारी रखे हुए है। प्रिया एक न्यूज चैनल में एंकर है और कृष्णा किसी नौकरी पर टिक ही नहीं पाता। क्रिश हर उस जगह मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फंसे इंसान को उसकी जरूरत है, भले ही इसके लिए उसे नौकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े। और यही वजह है कि हर नौकरी पर वो चंद दिन ही टिक पाता है। प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है, यही वजह है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है। दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है। काल ने अपने DNA और जानवरों के DNA से ऐसे अमानव बनाए हैं जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। इन्हीं में काया यानी कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है। काल दुनिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा वायरस तैयार करता है जो इंसानों को मिटाने के मकसद से तैयार करवाया गया है। काल के बनाए अमानव इस वायरस को मुंबई में फैलाते हैं जहाँ रोहित मेहरा और क्रिश इस वायरस की तोड़ खोजने में कामयाब होते हैं। काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए अमानव रोहित मेहरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुंच जाते हैं। दोस्तों खबरें थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश 4 जल्द ही बनने वाला है, लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है, इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है।
दोस्तों सूत्र के मुताबिक ऋतिक अपने पिता की सलाह नहीं ले रहे हैं। ऋतिक के कुछ अलग विचार हैं कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए। ऋतिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आए हैं और आज के सिनेमा को वो बेहतर समझते हैं। वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस बार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं, जिसे देखकर दर्शक समझ पाएं। साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है। दोस्तों क्रिश 4 को बाहुबली की तर्ज पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसीलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसीलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा, जैसा कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी में हमारे बजरंग बली यानी कि हनुमान जी पहले सुपर हीरो हैं। हनुमान के कैरेक्टर को ही केंद्र में रखकर आज तक सुपर हीरो की कल्पना की गई है, परंतु इस बार लॉर्ड गणेशा के सुपर नेचुरल पावर का एडप्टेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा, ऐसा गुप्त सूत्रों का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि डांस के साथ साथ सुपर क्यूट स्टाइलिश हीरो के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और अब बॉलीवुड की गरिमा भी हॉलीवुड के सुपर नेचुरल फिल्मों जैसी हो गई है। इसीलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आप लोगों को फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार है और आपके अकॉर्डिंग क्रिश की हीरोइन कौन होनी चाहिए? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्रिश 4 की शूटिंग में क्यों हो रही है देरी और कब से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहा कि वो जल्द ही सुपर हीरो पर आधारित फिल्म क्रिश की चौथी कड़ी पर काम शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म की पहली कड़ी कोई मिल गया थी जिसका निर्देशन उनके पिता राकेश रोशन ने 2003 में किया था। इसके बाद 2006 में क्रिश और 2013 में क्रिश 3 आई। ऋतिक रोशन ने 2017 में सुपर हीरो पर आधारित इस फिल्म की अगली कड़ी बनाने का फैसला किया। हाल ही वॉर फिल्म में नजर आए अभिनेता ऋतिक रोशन ने कहा कि वो इस फिल्म की कड़ी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है जिसे उनके पिता की खराब सेहत की वजह से टाल दिया गया था। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने पीटीआई भाषा से कहा, फिल्म वॉर के बाद मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और सभी के साथ मिलकर क्रिश 4 पर दोबारा काम शुरू करेंगे। पापा की सेहत के मद्देनजर हमने इससे थोड़ा किनारा कर लिया था लेकिन अब वो बेहतर हैं। हम इस पर एक बार फिर काम शुरू करेंगे। इकलौते सुपरहिट सुपर हीरो से इश्क कौन लड़ाएगा? कौन सा सुपर हीरो है एक्ट्रेसेस के लिए पनौती और इस सुपर हीरो की हीरोइन बनने के लिए कौन सी एक्ट्रेस लगाएगी अपने करियर को दांव पर? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हिंदी सिनेमा में जैकी श्रॉफ से लेकर टाइगर श्रॉफ तक के बीच तमाम एक्ट्रेस ने सुपर हीरो बनने की कोशिश की, पर सुपर हिट रहा तो बस एक सुपर हीरो यानी कि क्रिश। पर इसकी हीरोइन फिल्म कोई मिल गया से शुरू हुआ सुपर हीरो कृष्णा का सफर अब सीरीज की चौथी फिल्म तक आ पहुंचा है। ऋतिक रोशन स्टारर इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश 4 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। लेकिन यहाँ मुद्दा ये उठता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बीच कौन बनेगी क्रिश की हीरोइन। दरअसल पूरे मुकाबले का पैच ये है कि जो भी एक्ट्रेस अब तक क्रिश की हीरोइन बनी है उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भूचाल जरूर आया है। प्रीति जिंटा और नैस वाडिया के किस्से से लेकर खुद ऋतिक और कंगना के किस्से तो बॉलीवुड फिल्मों के फैंस को जुबानी याद हो चुके हैं।
तो वहीं इसके बावजूद बॉलीवुड की हर बड़ी हीरोइन क्रिश फ्रेंचाइजी का पार्ट जरूर बनना चाहती है। पिछली फिल्म में प्रिया बनी प्रियंका चोपड़ा माँ बन चुकी थी, लिहाजा उनके अब हीरोइन बनने के चांस नहीं है। लेकिन ट्रेड पंडित बता रहे हैं कि इस बार क्रिश की हीरोइन बनने के लिए दीपिका पादुकोण का नाम रेस में सबसे आगे है, लेकिन कैटरीना भी है कंपटीशन में। क्रिश 4 के ऐलान की सबसे ज्यादा खुशी इस फ्रेंचाइजी के डाई हार्ड फैंस को हो रही है। डॉक्टर संजय मेहरा से शुरू हुई ये कहानी उनके बेटे रोहित से लेकर उसके बेटे कृष्णा तक होते हुए अब कृष्णा के बेटे रोहित तक आ पहुंची है, यानी कि फिल्म की कहानी अब चौथी पीढ़ी से शुरू होगी। जी हाँ, पिछली फिल्म यानी कि क्रिश 3 में कृष्णा और प्रिया ने अपने बेटे का नाम उसके बाबा के नाम पर रोहित मेहरा ही रखा था। क्रिश 4 के रिलीज होने के वक्त ये फ्रेंचाइजी 15 साल का सफर तय कर लेगी। 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया से लेकर अब तक क्रिश की सफलता को कैश कराने के लिए तमाम प्रोड्यूसर्स ने सुपर हीरो फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा कोई सुपर हीरो बॉलीवुड के शौकीनों का दिल नहीं जीत पाया है। सुपर हीरो सीरीज की आखिरी फ्लॉप फिल्म रही टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट। दिलचस्प बात तो ये है कि टाइगर के पिता यानी कि जैकी श्रॉफ ने ही बॉलीवुड में सुपर हीरो सिनेमा की शुरुआत की थी फिल्म शिवा का इंसाफ से, जो कि देश में बनी पहली हिंदी 3D फिल्म भी थी। 2008 में गोल्डी बहल ने अभिषेक बच्चन को लेकर एक सुपर हीरो ड्रोन गढ़ने की कोशिश की थी, पर 60 करोड़ रुपए खर्च करके भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसके बाद शाहरुख खान ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करके खुद सुपर हीरो बनने की कोशिश की फिल्म रावण में। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हर्ष क्या रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके डायरेक्टर यानी कि अनुभव सिन्हा के साथ 5 साल तक कोई बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद वो नए चेहरे के साथ अपनी फिल्म तुम बिन का सीक्वल लेकर आए। और वही माना जा रहा है कि क्रिश 4 को इस बार बाहुबली की तर्ज पर शूट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। और राकेश रोशन ने भी कहा है कि वो फैंस को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देना चाहते हैं, जिसके लिए ऋतिक रोशन अपने बच्चों से भी सीख रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों से वीडियो गेम्स के जरिए विलन्स कैसे हो सकते हैं उनके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार क्रिश 4 में ऋतिक रोशन विलन और हीरो दोनों का रोल खुद ही प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर ये सच में होता है तो ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। इन्हीं फिल्मों में से एक है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश 4। राकेश रोशन आजकल तेजी से क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हाल ही में खबर थी कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ में से कोई एक या फिर दोनों ही फिल्म की लीड हीरोइन के तौर पर फाइनल हो सकती है। इसके बाद खुद राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्टार कास्ट को लेकर जबरदस्त खुलासा किया है। निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना काफी मजेदार रहा। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि प्रियंका क्रिश 4 में भी जरूर होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा। राकेश रोशन ने पहले ही प्रियंका को याद करते हुए बताया कि जब वो प्रियंका के साथ क्रिश में काम कर रहे थे तब उन्हें नहीं लगा था कि वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी, लेकिन उन्हें ये जरूर लगा था कि बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन हमेशा रहेंगी। बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी और इसे एक साल के अंतर में ही रिलीज किया जाएगा, यानी कि 2020 और 2021 ऋतिक रोशन के क्रिश धमाके के साथ पक्का होगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं क्रिश 4 से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि आइडिया कैसे आया। सूत्रों की माने तो राकेश रोशन को क्रिश 4 का आइडिया तब आया जब उन्हें उनकी पत्नी ने भगवान गणेश की एक तस्वीर दिखाई जहां भगवान गणेश ने क्रिश वाली मास्क पहनी थी। दोस्तों, वहीं इस बार एक्शन और भी धमाकेदार होने वाले हैं। जी हां, फिल्म में एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ करने के लिए हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स को लाया जाएगा। एक्शन के मामले में फिल्म अलग स्तर पर जाएगी, ऐसा निर्माताओं का मानना है। दोस्तों, वहीं सुपर हिट फ्रेंचाइजी क्रिश 3 दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही हैं और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है।
लिहाजा क्रिश 4 को और भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों वहीं राकेश रोशन ने कहा था कि उनकी फिल्म में बॉलीवुड की ए लिस्ट हीरोइन होगी और हीरोइन का किरदार काफी दमदार होगा। हालांकि निर्देशक ने अभी नाम बाहर नहीं किया है। बता दें ऋतिक फिल्म में न्यू कमर को चाहते हैं। हालांकि इस फिल्म में प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है। दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्देशक राकेश रोशन का मानना है कि फिलहाल भारत में लोग फीमेल सुपर हीरो की फिल्म नहीं देखेंगे और इसी कारण से वो क्रिश 4 को हीरोइन केंद्रित फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि फैंस को वो पसंद नहीं आएगी। दोस्तों वहीं इस बार विलन भी दमदार होने वाला है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो फिल्म के विलन का जैसा किरदार लिखा गया है उसमें नवाज परफेक्ट बैठते हैं। राकेश रोशन और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि विलन का किरदार कोई दमदार एक्टर ही निभाए और ऐसे में सभी की उम्मीदें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आकर टिकी है। दोस्तों वहीं अगर बात करें क्रिश 4 की रिलीज डेट की तो निर्देशक राकेश रोशन ने ऋतिक की बहुप्रतीक्षित फिल्म और सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट घोषणा कर दी है। फिल्म साल 2020 के क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों वहीं बात आई डबल धमाका। जी हाँ, हाल ही में खबर आई थी कि राकेश रोशन या तो क्रिश 4 को दो पार्ट में बनाने की सोच रहे हैं या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें से एक होगी क्रिश 4 और दूसरी होगी क्रिश 5। माना जा रहा है कि दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ ही साथ होगी। दोस्तों वहीं दो दो एक्ट्रेस का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में दो एक्ट्रेस का नाम एक साथ नजर आ रहा था। क्रिश 4 में दो एक्ट्रेसेस स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में कैटरीना भी नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। दोस्तों वहीं सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, फिल्म क्रिश सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्शन फिल्मों में शामिल है और क्रिश 4 और क्रिश 5 भी ऐसा ही करेगी। माना ये भी जा रहा है कि बड़े बजट पर तैयार की जा रही ये फिल्म अब तक की सबसे तगड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। दोस्तों वहीं अगर विलन की बात करें तो पिछली बार क्रिश के विलन थे विवेक ओबरॉय, लेकिन इस बार क्रिश की स्टार कास्ट अभी से धमाके कर रही है और माना जा रहा है कि क्रिश 4 के विलन के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। दोस्तों गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इससे पहले भी सलमान खान को किक और बजरंगी भाईजान में खा चुके हैं। दोस्तों क्रिश 3 2013 की बॉलीवुड की सुपर हीरो कृष्णा की विज्ञान कल्पना फिल्म है। फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन है। फिल्म कोई मिल गया 2003 के नायक रोहित और क्रिश 2006 के सुपर नायक कृष्णा की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसकी दोनों पूर्व फिल्मों ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। फिल्म को पहले 3D प्रारूप में जारी करना तय किया था। हालांकि समय की कमी के कारण इसे 3D में रूपांतरित किए बिना राकेश रोशन ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म को केवल 2D में ही जारी किया जाएगा। फिल्म विश्व भर में 1 नवंबर 2013 को जारी की गई। क्रिश 3 को समालोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन ने ट्रिपल रोल अदा किया था और फिल्म ने 240 करोड़ 50 लाख का कारोबार किया था। पिछली फिल्म में आपने देखा सिद्धांत आर्य को हराकर क्रिश अपने पापा रोहित मेहरा को उसकी कैद से छुड़ाकर घर ले जाता है। इस फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्रिश यानी क्रिश मेहरा अब अपनी दुनिया में लौट आया है जहां वो अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया मेहरा के साथ बहुत खुश है। रोहित भी अब अपने बेटे बहू के साथ रहकर अपने प्रयोग जारी रखे हुए है। प्रिया एक न्यूज चैनल में एंकर है और कृष्णा किसी नौकरी पर टिक ही नहीं पाता। क्रिश हर उस जगह मौजूद हो जाता है जहां किसी मुसीबत में फंसे इंसान को उसकी जरूरत है, भले ही इसके लिए उसे नौकरी से ही गायब क्यों ना होना पड़े। और यही वजह है कि हर नौकरी पर वो चंद दिन ही टिक पाता है। प्रिया को क्रिश की असलियत मालूम है, यही वजह है कि उसके हर कदम पर उसका साथ देती है। दूसरी ओर काल दुनिया से इंसानों को खत्म करने की नापाक साजिश रच रहा है। काल ने अपने DNA और जानवरों के DNA से ऐसे अमानव बनाए हैं जो उसकी तरह सोचते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं। इन्हीं में काया यानी कंगना रनावत भी शामिल है जो काल से मिली शक्तियों के चलते पल भर में अपना रूप बदल सकती है। काल दुनिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा वायरस तैयार करता है जो इंसानों को मिटाने के मकसद से तैयार करवाया गया है। काल के बनाए अमानव इस वायरस को मुंबई में फैलाते हैं जहाँ रोहित मेहरा और क्रिश इस वायरस की तोड़ खोजने में कामयाब होते हैं। काल के इशारे पर काम करने वाली काया और उसके बनाए अमानव रोहित मेहरा और क्रिश को मारने मुंबई पहुंच जाते हैं।
दोस्तों खबरें थी कि इस फ्रेंचाइजी का अगला भाग क्रिश 4 जल्द ही बनने वाला है, लेकिन अब खबर है कि पिता बेटे की जोड़ी में कुछ क्रिएटिव को लेकर मतभेद है, इसलिए ये भाग बनने में देरी हो रही है। दोस्तों सूत्र के मुताबिक ऋतिक अपने पिता की सलाह नहीं ले रहे हैं। ऋतिक के कुछ अलग विचार हैं कि कैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरह की कास्ट इसमें काम करनी चाहिए। ऋतिक एक अच्छे अभिनेता के रूप में सामने आए हैं और आज के सिनेमा को वो बेहतर समझते हैं। वे अपने निर्देशक पिता से चाहते हैं कि वो इस बार कुछ समझदारी वाली फिल्म बनाएं, जिसे देखकर दर्शक समझ पाएं। साथ ही कास्टिंग को लेकर भी उनके बीच काफी मतभेद चल रहा है। दोस्तों क्रिश 4 को बाहुबली की तर्ज पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब से बाहुबली रिलीज हुई है हर फिल्म निर्माता बाहुबली को एक आइकन के रूप में देखते आ रहे हैं और इसीलिए हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बाहुबली की तरह भव्य हो। इसीलिए राकेश रोशन बाहुबली वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। वो क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ शूट करेंगे, लेकिन क्रिश 4 को वो पहले रिलीज करेंगे। बाहुबली जैसा भव्य सेट क्रिश 4 और क्रिश 5 के लिए बनाया जाएगा, जैसा कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी में हमारे बजरंग बली यानी कि हनुमान जी पहले सुपर हीरो हैं। हनुमान के कैरेक्टर को ही केंद्र में रखकर आज तक सुपर हीरो की कल्पना की गई है, परंतु इस बार लॉर्ड गणेशा के सुपर नेचुरल पावर का एडप्टेशन क्रिश 4 और क्रिश 5 में किया जाएगा, ऐसा गुप्त सूत्रों का मानना है। परंतु अभी तक फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की स्टोरी को रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। ये वही फिल्म है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ऋतिक रोशन एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि डांस के साथ साथ सुपर क्यूट स्टाइलिश हीरो के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और अब बॉलीवुड की गरिमा भी हॉलीवुड के सुपर नेचुरल फिल्मों जैसी हो गई है, इसीलिए क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर कोहराम मचा हुआ है। क्रिश 4 क्रिश फिल्म की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है और क्रिश फिल्म का पहला पार्ट था कोई मिल गया। कोई मिल गया एक इंडियन साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने और उस फिल्म में राकेश रोशन का एक कैमियो रोल भी था। कोई मिल गया बॉलीवुड की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी और इसके सीक्वल हैं क्रिश और क्रिश 3। गणेश चतुर्थी के सीजन के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को क्रिश के रूप में तैयार देखकर फिल्म मेकर राकेश रोशन इंस्पायर्ड हुए और फिर से सुपर हिट क्रिश फिल्म की फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के लिए तैयार हुए। ऋतिक रोशन ने ट्वीट करके बड़ी अनाउंसमेंट की, गणपति ब्लेसिंग फॉर क्रिश 4, और ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की जो कि लॉर्ड गणेशा की थी क्रिश के रूप में और ये इमेज सोशल मीडिया में ट्रेंड में था। अब सवाल ये है कि क्या गणेशा का भी कोई कैमियो होगा क्रिश 4 में या नहीं। डायरेक्टर राकेश रोशन ने कहा है कि क्रिश 4 में VFX और एक्शन सीक्वेंसेस का हैवी डोज देखने को मिलेगा। सूत्रों से पता चला है कि अभी तक आई फिल्म्स जैसे कि बाहुबली 2.0, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्म्स के बजट को क्रिश 4 पार कर जाएगी। सूत्रों की माने तो फिल्म्स के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए राकेश रोशन ने इंटरनेशनल डायरेक्टर हायर किए हैं। अभी हाल ही में आए सभी फिल्म्स जैसे कि बाहुबली, बाहुबली द कंक्लूजन 2.0, इन सभी फिल्मों में जबरदस्त VFX यूज किए गए हैं और राकेश रोशन का भी यही कहना है कि इस बार क्रिश 4 में VFX का लेवल अप करना है। सूत्रों की माने तो क्रिश 4 में ऋतिक रोशन हीरो के साथ साथ विलेन का भी रोल निभा सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि ऋतिक यिन और यंग मींस की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये कंफर्म न्यूज नहीं है, ये एक स्पेक्यूलेटेड न्यूज है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म में क्रिश के अलावा जूनियर क्रिश भी दिख सकते हैं। फिल्म की एक्ट्रेस अभी फाइनल नहीं हुई है, अब देखना ये है कि क्रिश 4 में कौन सी हीरोइन होगी। माना जाता है कि प्रियंका हो सकती है, लेकिन प्रियंका कभी भी रिप्लेस हो सकती है और उनकी जगह दीपिका पादुकोण ले सकती है। क्रिश 4 2018 के लास्ट में रिलीज होगी। अभी ऋतिक बिजी है अपने फिल्म सुपर 30 में जिसको डायरेक्ट किया विकास भेल ने और ये एक बायोपिक फिल्म है। सुपर 30 एक इंडियन एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि पटना बिहार इंडिया में है अंडर द बैनर ऑफ रामानुजा स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और ये 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। आनंद कुमार हर साल 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की फैमिली में से और उनको ट्रेन करते हैं IIT के एग्जाम्स के लिए और हर साल वहाँ के 30 के 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं IIT में। टाइम्स मैगजीन ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार सुपर 30 को सेलेक्ट किया बेस्ट ऑफ एशिया 2000 में। न्यूज़वीक मैगजीन ने मैथमेटिशियन आनंद कुमार की सुपर 30 को
दुनिया के 4 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में शामिल किया है। आनंद कुमार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं नवंबर 2010 में। क्रिश 4 की रिलीज डेट क्रिसमस के टाइम रखी गई है और डेट को लेकर फिल्म काफी चर्चे में है। माना जाता है कि एक बार फिर से शाहरुख और ऋतिक की फिल्में आमने सामने आ सकती है, जैसे कि काबिल और रईस की डेट क्लैश हुई थी। लेकिन एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। काबिल के टाइम मेरा मूड नहीं था शिफ्ट करने का और मैंने बहुत पहले ही फिल्म काबिल की डेट अनाउंस की थी, बट शाहरुख ने सेम डेट रखी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर शाहरुख रिक्वेस्ट करते तो क्या आप रिलीज डेट शिफ्ट कर लेते। राकेश रोशन ने कहा कि आई डोंट बज माई रिलीज डेट, मतलब कि मैं अपना रिलीज डेट नहीं चेंज करता। कहो ना प्यार है 14 जनवरी को रिलीज हो रही थी और आमिर खान की मेला 7 जनवरी को रिलीज हो रही थी और शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तान 21 जनवरी को। अनिल कपूर की फिल्म पुकार 4 फरवरी को आ रही थी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने सजेस्ट किया कि मैं मेरी फिल्म को मूव कर लूं क्योंकि ऋतिक न्यू एक्टर है। उन डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपने रिलीज डेट की तारीख नहीं बदली। रोशन ने कहा कि शाहरुख मेरे बड़े बेटे जैसे हैं, जिन्हें मैंने किंग अंकल, कोयला और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में ब्रेक दिया। आई डोंट थिंक कि वो कुछ भी अनएथिकल काम करेंगे। आई डोंट नो कि शाहरुख ने इवेंचुअली ये डेट क्यों डिसाइड किया था। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि कोई मिल गया में लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, साथ में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री रेखा। प्रीति जिंटा का रोल सबसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये फिल्म प्रीति जिंटा को दी गई। फिल्म 8 अगस्त 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग कसोल, नैनीताल, भीमता और कनाडा में हुआ था। कोई मिल गया ने बहुत से अवार्ड रिसीव किए हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, अदर सोशल इश्यूज, नेट फिल्म फेस्टिवल इन डेनमार्क और भी बहुत से। 2003 के सारे रिकॉर्ड कोई मिल गया फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स को मिले हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और भी बहुत से। क्रिस फिल्म की थर्ड इंस्टॉलमेंट क्रिस 3 का काल तो सबको याद होगा ही। उस रोल को निभाया था विवेक ओबेरॉय ने। काल के कॉस्ट्यूम का वेट था 28 किलो और क्रिस 3 में सबसे महंगा कॉस्ट्यूम काल का था। काल का रोल सबसे पहले अजय देवगन और शाहरुख खान को ऑफर किया गया था और जब उन्होंने मना कर दिया तो बाद में ये रोल विवेक ओबेरॉय को दिया गया। क्रिस 3 में कंगना रनौत ने रबर लेटेक्स सूट पहना है पूरी फिल्म में और उस ड्रेस को तैयार करने में 45 दिन लगे आफ्टर एक्सपेरिमेंट विद 25 स्केचेस। कंगना ने फिल्म के लिए 4 किलो वेट लूज किया और डेली 2 घंटे लगते थे कॉस्ट्यूम को परफेक्टली फिट होने में। क्रिस 3 के बाद कंगना और ऋतिक मीडिया में छाए हुए थे अपने रिलेशंस की वजह से। माना जाता है कि क्रिस 3 के सेट पे ऋतिक रोशन को कंगना रनौत से प्यार हो गया था और आगे भी परस्यू किया था और इस बात को पब्लिकली करने के लिए ऋतिक ने मना किया था कंगना को। ऋतिक और सुजैन के डिवोर्स के बाद सूत्रों से पता चला कि ऋतिक ने कंगना को पेरिस में प्रपोज किया था। 2014 में फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के वक्त खबर आई थी कि ऋतिक कंगना को इग्नोर कर रहे हैं और खबर ये भी आई थी कि फिल्म की लीडिंग लेडी कैटरीना के साथ नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक कंगना ने जब लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया तो ऋतिक उन्हें परेशान करते थे। क्रिश 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं राकेश रोशन, फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं राकेश रोशन, प्रेजेंटेड बाय फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। क्यों एक्साइटेड हैं क्रिश 4 को लेकर ऋतिक रोशन और कौन है दुनिया का असली बैटमैन? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ऋतिक रोशन को तो सभी जानते हैं क्रिश के लिए और अब तो उनकी अगली फिल्म इस सीरीज की आने वाली है क्रिश 4। तो इस फिल्म को लेकर ऋतिक रोशन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका कहना है कि क्रिश 4 और 5 की शूटिंग क्योंकि एक साथ हो रही है और इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है कि पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया का जो सुपर हीरो है क्रिश, वो क्या क्या करने के काबिल है। सुपर हीरोज़ के बारे में सभी जानते हैं और डीसी और मार्वल्स ने दुनिया को बहुत सारे सुपर हीरोज़ दिए हैं, लेकिन इंडिया से अभी तक ज़्यादा सुपर हीरोज़ निकल कर नहीं आए हैं। जो आए हैं वो ज़्यादा चले नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंडियन सुपर हीरो जो चला है वो क्रिश ही है और बच्चा क्रिश का दीवाना है। क्रिश को बहुत सारी तारीफें मिली हैं और इस फिल्म की सीरीज़ की अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। जो फर्स्ट था कोई मिल गया उसके बाद ये आए हैं,
तो अब इस सीरीज का जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आएंगे उनका कहना है ऋतिक रोशन का कि इन पार्ट्स में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते क्रिश सीरीज से। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर और फिल्म के कोई स्टोरी ना रिवील करते हुए वो एक सस्पेंस बनाते हुए कहते हैं कि जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म को बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलने वाला है, जो पहले की फिल्मों को मिला है उससे कहीं ज़्यादा इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे। तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस फिल्म में ऐसा जिसको लेकर ऋतिक रोशन इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको रियल लाइफ सुपर हीरो से मिलवाती हूँ। सुपर हीरोज के बारे में सभी जानते हैं कि एक सुपर हीरो कौन होता है, क्या करता है, किस तरह की जिंदगी जीता है, और बच्चा बच्चा वाकिफ है। जब भी आप सुपर हीरो का नाम लोगे ना तो बच्चा एक ना एक सुपर हीरो का नाम तो कोई ना कोई बच्चा आपको बता ही देगा। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे नहीं होते जो सुपर हीरो से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन बड़े भी होते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं सुपर हीरो से कि वो अपनी रियल लाइफ भी सुपर हीरो की तरह ही जी रहे हैं। जैसे कि डीसी का बैटमैन, सभी वाकिफ हैं डीसी के बैटमैन से कि किस तरह की उसकी लाइफ है, और वो गॉथम सिटी के लिए एक मसीहा है क्योंकि वो अपने शहर से जो क्राइम की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए निकल चुका है, और जो भी लोग क्राइम करते हैं उसके शहर में वो उनको सबक सिखा देता है। ठीक ऐसा ही एक इंसान है रशिया की मॉस्को सिटी से, रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को से, जो कि निकल चुका है बिल्कुल ही बैटमैन की जो राह है उसकी दिखाई हुई राह पर अपने शहर को साफ करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ रीपर की। ये इंसान अपने आप को रीपर नाम से क्लेम करता है कि मेरा नाम रीपर है और सब उसको रीपर नाम से जानते हैं, और वो बैटमैन का मास्क लगाकर, बैटमैन का केप पहनकर रातों में, खाली रात में भी नहीं बल्कि दिन में भी नज़र आता है वो, बट मोस्ट स्पेसिफिकली रात में वो ये काम करता है, जाता है और अपने उसके जो शहर में जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, रेप केसेस जो होते हैं या और रॉबरी वगैरह जिस तरह का भी क्राइम होता है उन सबको इसे डील करता है, लेकिन मेजरली वो ड्रग्स के जो स्पॉट्स होते हैं, जो एक धंधा बना देते ना जो यहाँ पर ड्रग डीलर्स मिलेंगे, उन सब चीज़ों से वो डील करता है। तो इसके बारे में सबसे पहली खबर आई थी 2016 की जून में, जब एक टैक्सी ड्राइवर ने रात के वक्त तकरीबन 1:30-2 बजे उसने देखा था कि कोई इंसान केप पहनकर और मास्क लगाकर एक बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। तो उसने फौरन के फौरन अपना कैमरा निकाला और वीडियो बना ली। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं आ पाई, मतलब छोटा सा उसमें ये कि बिल्डिंग से वो एक इंसान केप और उसमें निकल रहा है और ज़मीन पर एक बॉम्ब फेंकता है बिल्कुल सुपर हीरो स्टाइल में, जिस तरह से हम मूवीज़ और वेब टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना कि सुपर हीरो एक से मास्क उसमें आ रहा है, अपना काम किया और ज़मीन पर बॉम्ब फेंका और गायब। ठीक वैसे ही ये रियल लाइफ सो बैटमैन है मॉस्को का, वो भी ऐसे ही करता है। तो उस वीडियो में कैप्चर हुआ है कि वो निकलता हुआ आ रहा है और ज़मीन पर एक बॉम्ब फेंकता है और गायब। तो टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया, उन्होंने बताया कि इस तरह से देखिए एक इंसान है जो केप में घूम रहा है, और उसने उसके जब वो बिल्डिंग से निकलकर बाहर गया तो उसने उस बिल्डिंग से काफ़ी सारे चीखने की, औरतों के बच्चों के चीखने की भी आवाज़ सुनी थी, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये बिल्डिंग दरअसल ड्रग्स का अड्डा बना हुआ था, तो उसने वहीं पर अटैक किया था। तो उसने जो टैक्सी ड्राइवर था उसने पुलिस ऑफिसर्स को उस बैटमैन के बारे में बताया और उसकी जो वीडियो थी ये वायरल हो गई। तो तभी से एक रात के अंदर ही वो इतना फेमस हो गया, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन, क्या करता है, क्यों करता है, इसके पीछे का इसका मोटिव क्या है। तो इन सब बातों को क्लियर करने के लिए रीपर ने अपने खुद के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लोगों को अपने बारे में जानकारी दी। तो उसने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि हमारे देश में, हमारे शहर में बहुत सारे क्राइम, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, लोग निकल चुके हैं कुछ भी कर रहे हैं और हर तरफ गंदगी फैल गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और जो लॉ है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, सब अपना काम सही से कर रहे हैं, लेकिन मैं एज ए सिटीजन ऑफ मॉस्को अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये काम करने के लिए निकल गया हूँ। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि मतलब उसने उस ट्विटर अकाउंट में भी ये चीज़ मेंशन की थी, इसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी क्रिमिनल को मारता नहीं था, ना ही उनके हाथ पैर वगैरह तोड़ता था, बस उनको उठाता था, बांध कर उनको पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ आता था ताकि आगे का काम सारा पुलिस कर दे। तो मतलब वो कोई लॉ भी ब्रेक नहीं कर रहा होता था, पुलिस की हेल्प ही कर रहा था। तो इसकी इस चीज़ को देखते हुए उसने उसमें पूरा डिक्लेयर किया था कि मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, मैं बस एज ए सिटीजन ऑफ मॉस्को अपना काम कर रहा हूँ। तो उसकी इस बात से लोग भी इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए और पुलिस डिपार्टमेंट भी मतलब उसके साथ कोऑपरेट करने लगी। तो वो जब छोड़ कर आता तो उसके पीछे और मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते ना कि एंटी वो चला देते सुपर हीरो, पूरी एक टीम होती है जो उनको पकड़ने में लग जाती है, ऐसा इसके साथ नहीं हुआ था रियल में, इसके साथ पुलिस कोऑपरेट करती थी।
तो उसने बाद में एक अपना ट्वीट किया था, उसमें उसने बोला कि अगर आपको ऐसे स्पॉट्स के बारे में पता है जहां इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या ऐसे लोगों के बारे में पता है जो ये सब कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मेरी थोड़ी सी आप भी हेल्प कर सकें। तो लोगों ने उसकी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया था और बहुत सारे लोगों ने उसके इस ट्वीट को रीट्वीट कर जो भी उनको मालूम था उसके बारे में बताया था। तो इस तरह से उसको काफ़ी हेल्प भी मिली थी, पब्लिकली वो एक सुपर हीरो की तरह उभर कर आया और उससे रीपर के नाम से जानने लग गए। लेकिन मतलब काफ़ी वक्त तो उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अकेले ये सब नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि ड्रग्स की दुनिया का अलग ही लेवल होता है और लोग जब खड़े हो जाए ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो जाए ना तो आपकी ज़िंदगी तो बेहाल होनी ही होनी है। तो इसीलिए उसको फिर बाद में आकर दिक्कत आने लगी थी और उसने फिर से ट्वीट कर लोगों से बोला था कि अब मतलब मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, तो अगर आप अपने पार्ट पर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ टेक अ स्टैंड, कम फॉरवर्ड और अपने शहर को साफ करने के लिए कुछ कीजिए। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि अगर आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे मतलब पूरा उसने ये बताया था किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है और आप मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कहानी मॉस्को के बैटमैन की, जो कि अब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो कि उस वक्त था, क्योंकि वही दिक्कत आ गई कि उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट वगैरह हो गया था। तो काम वो कर रहा है लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर रहा। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुपर हीरोज से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में सुपर हीरोज का काम कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी कहानियां मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी बता सकते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऑब्वियसली अगर आपको पता है किसी ऐसे सुपर हीरो के बारे में तो आप वो भी बता सकते हैं। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, मैं हूँ सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड अपडेट्स में। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जीरो और मलयालम सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ ने सिनेमा घरों में 10 दिन पूरे कर लिए हैं, और जहां 10 दिनों पहले दोनों फिल्में पूरी जोर शोर के साथ रिलीज हुई थी, तो वहीं अब एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो वहीं दूसरी फिल्म सुपरहिट। जी हाँ, इस रेस में शाहरुख खान फ्लॉप रहे हैं, तो वहीं केजीएफ हिंदी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से ऊपर का कलेक्शन कर रही है। दोस्तों, केजीएफ हिंदी ने 10 दिनों में लगभग 27 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि शाहरुख खान की जीरो 21 करोड़ की ओपनिंग के बाद भी अब तक 96 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। दोस्तों, जीरो 4380 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को बुरी तरह से नकार दिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे वीकेंड यानी कि रविवार को जहां जीरो ने 1,55,00,000 का कलेक्शन किया, तो दोस्तों वहीं केजीएफ ने 2,10,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, इन सभी आंकड़ों से साफ है कि अब साउथ की फिल्म भी जीरो से आगे निकल चुकी है। वहीं रोहित शेट्टी के सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर इतना ताबड़तोड़ प्रदर्शन दे रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में जीरो के पास स्क्रीन ही नहीं बचेंगी। दोस्तों, आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धराशायी रही है। दोस्तों, वहीं राकेश रोशन और ऋतिक रोशन अपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म क्रिश के अगले पार्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्रिश 4 की कहानियों पर लगातार काम चल रहा है, और अब खबर है कि फिल्म की हीरोइन के लिए कृति सैनन अपना नाम फाइनल करवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार कृति राकेश रोशन के ऑफिस में दिखाई दी, और वहीं राकेश रोशन ने कुछ दिन पहले ही हिंट दिया था कि फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ही होंगी। हालांकि फिल्म की हीरोइनों के लिए कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण का नाम भी कई बार सामने आ चुका है, और हीरोइन जो भी होगी उस पर अपना आखिरी फैसला ऋतिक रोशन ही देंगे। दोस्तों, हालांकि खबर ये भी है कि क्रिश 4 की लीड हीरोइन बनने के लिए कई एक्ट्रेसेस मेहनत कर रही हैं, जहां राकेश रोशन जी हर उस हीरोइन से मिल रहे हैं जो फिल्म में ऋतिक के अपोजिट काम करना चाहती है। फिल्म की हीरोइन का फैसला फिलहाल तो नहीं हो रहा है, अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर तेजी से काम चल रहा है।
और अगर बात करें कृति सैनन की तो बॉलीवुड में उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट डेब्यू करने के बाद कृति सैनन अक्षय कुमार की सिंगिस ब्लिंग करने वाली थी, लेकिन उन्हें रोहित शेट्टी की दिलवाले ऑफर हुई और कृति ने अक्षय की फिल्म छोड़ दी। दोस्तों इसके बाद कृति सैनन को सलमान खान की सुल्तान ऑफर हुई, लेकिन यशराज फिल्म्स उन्हें यशराज टैलेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांधना चाहता था, जहां हर नया स्टार यशराज के साथ 3 फिल्में करता है। और कृति सैनन ने साफ मना करते हुए ये स्पष्ट भी किया कि वो नया टैलेंट नहीं है। दोस्तों इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका राबता रोमांस डूब गया, लेकिन कृति सैनन बरेली की बर्फी के साथ एक बार फिर पर्दे पर चमकी। दोस्तों फिलहाल उनकी अर्जुन पटियाला रिलीज होने को तैयार है और फिलहाल वो कार्तिक आर्यन के साथ दिनेश विजान की लुका छुपी कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। स्टार ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिस 4 और क्रिस 5 को क्यों बनाया जा रहा है बाहुबली की तर्ज पर, और इन दोनों फिल्मों की कहानी किस देवता के जीवन पर आधारित है, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रिस 4 और क्रिस 5 के बारे में। राकेश रोशन बहुत ही समझदार और बुद्धिजीवी अभिनेता और डायरेक्टर, और इनका साथ हमेशा इनके भाई राजेश रोशन देते हैं। उनका म्यूजिक जो है ना कमाल का होता है। आखिर बात करते हैं कि ऋतिक रोशन को राकेश रोशन ने किस प्रकार से लॉन्च किया जो रातों रात एक सुपरस्टार बन गई। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी कहो ना प्यार है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था और इस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते थे। उसके बाद ऋतिक का करियर धीरे धीरे गिरने लगा, जिसके कारण राकेश रोशन बहुत चिंतित हुए। अब वो सोचने लगे कि अपने बेटे का करियर कैसे बनाया जाए, क्योंकि इनके बेटे को घेर रहे थे इंडस्ट्री के 3 खान, यानी कि आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान। तब राकेश रोशन के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने बेटे को सुपर नेचुरल पावर से युक्त एक ऐसा हीरो सबके सामने प्रस्तुत करूं जो लोगों को अच्छा लगे। वैसे हमारे यहां सुपर नेचुरल पावर यानी कि सुपर हीरो की कहानियां बहुत पहले से ही विद्यमान थी। अगर आप हिस्ट्री की बात करें या एशियन हिस्ट्री की बात करें तो हमारे यहां सुपर हीरो, सबसे पहला सुपर हीरो कौन था, बजरंगबली, हनुमान जी, जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका जला दी थी। सबसे पहला सुपर हीरो हनुमान जी को माना जाता है। वैसे हमारे देश के जितने भी देवी देवता हैं सभी में सुपर हीरो वाली शक्तियां पाई जाती हैं। और उसके बाद सुपर हीरो वाली इमेज अगर किसी में दिखती है तो वह है कृष्ण कन्हैया। अगर कृष्ण लीला को ध्यान से देखें तो उनके बचपन की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब किसी सुपर हीरो से कम नहीं होती। और उसके बाद अगर किसी देवता में ये सारी शक्तियां पाई जाती हैं तो हमारे भोले शंकर के सुपुत्र गणेश जी हैं, जिन्होंने बचपन में ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं कि जिन्हें देख करके आप सिर्फ हंसते रहेंगे। अब राकेश रोशन का मन गणेश को देख करके, उनके लड्डू को नहीं
उनकी लीला को देख करके। उनको लगा क्यों ना गणेश की लीलाओं को लेकर के एक फिल्म बनाई जाए। तभी उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर हम गणेश की कहानियों को क्रिस 4 और क्रिस 5 में डाल देते हैं तो हमारा भारतीय समाज अपने आप इस भारतीय सिनेमा से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराओं में आज भी हमारे भगवान मौजूद हैं, हमारे रग रग में बसे हुए हैं। इसीलिए राकेश रोशन ने गणेश को आधार बनाकर क्रिस 4 और क्रिस 5 की कहानी लिखना शुरू कर दिया है। अब उनका मानना है कि जिस प्रकार से गणेश ने राक्षसों और बुराइयों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, उसी प्रकार से उनका बेटा ऋतिक रोशन क्रिस 4 और क्रिस 5 में आएगा, उन बुराइयों का नाश करेगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है इस फिल्म की, जादू फिर से वापस आने वाला है। उस जादू के जरिए ही ऋतिक रोशन को यह आभास होगा कि उनके अंदर गणेश जी वाली शक्तियां मौजूद हैं। यानी कि जिस प्रकार से हनुमान जी को पता ही नहीं था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसी प्रकार से क्रिस 4 में ऋतिक रोशन को पता ही नहीं होगा कि उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं। वैसे अगर बात किया जाए कि ये जो ऋतिक रोशन की ये जो फिल्में हैं, कोई मिल गया, क्रिस और क्रिस 2, ये सारी फिल्में हिट क्यों नहीं है, इसके हिट होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है इसकी स्टार कास्ट और इसकी कहानी और इसका म्यूजिक। जैसे कि कोई मिल गया देखा जाए तो, कोई मिल गया में इतने बड़े बड़े कलाकार थे, उनका उन फिल्म में होना ही अपने आप में ही फिल्म को हिट बना देता है। जैसे कि रेखा, रेखा कौन नहीं जानता है, रेखा की अदाओं से कौन प्रभावित नहीं है। जब रेखा ने अमिताभ बच्चन को बांध लिया था तो हम किस चीज के हैं, हमारे दर्शक क्या हैं। फिर उनकी एक फिल्म में थे भाई नसरुद्दीन शाह, उनका अभिनय तो इतना लाजवाब है कि लोग कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह अपने रोए से अभिनय करते हैं, लाजवाब, वाह। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुंदरी ने साथ दिया था, प्रियंका चोपड़ा, आजकल जो विदेशों में एक विदेशी के साथ रंगरलिया खेलती है। वैसे देखा जाए तो राकेश रोशन की जो भी फिल्में बनी हैं वो सारी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, चाहे वो करण अर्जुन हो या फिर जूली रही हो या फिर क्रिस हो या फिर कोई मिल गया हो, क्योंकि राकेश रोशन के अंदर एक समझदारी है, वो दिमाग के साथ साथ दिल का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो बहुत इमोशनल है। तो राकेश रोशन को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर फिल्म की कहानी में इमोशंस को डाला जाए और रिश्तों को अहमियत दिया जाए तो फिल्म जरूर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। यही कारण है कि क्रिस और कोई मिल गया में बाप बेटे के रिश्तों को दिखाया है कि किस प्रकार एक बेटा अपने बाप के लिए सब कुछ कर सकता है और मां और बेटे के प्रेम को दिखाया गया है कि एक मां अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है, कितना कष्ट झेलती है, और हमेशा एक मां को उसका बेटा छोटा ही लगता है कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। यही कारण है कि अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय संस्कृति में जो रिश्तों के लेकर इंपॉर्टेंस दी गई है वो सारी चीजें आपको राकेश रोशन की इन फिल्मों में आपको देखने को मिलेगी। आइए हम बात करते हैं कि क्रिस 4 और क्रिस 5 में ऐसा क्या करने जा रहे हैं राकेश रोशन। सबसे पहली बात, इन दोनों फिल्मों को हॉलीवुड लेवल का बनाया जा रहा है, और दूसरी बात, जिस प्रकार से बाहुबली की दोनों सीरीज को एक साथ शूट किया गया था उसी प्रकार से क्रिस 4 और क्रिस 5 को शूट किया जाएगा।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों में क्या कीर्ति सेनन को लिया जाएगा या फिर किसी तीसरी हीरोइन को कास्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न जो सबकी जेहन में खलबली पैदा कर रहा है वो है भाई हमारे भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्मी गलियारों में ये परिचर्चा है इस बार इन दोनों फिल्मों के मुख्य विलन होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज जब भी पर्दे पर आते हैं तो लाजवाब अभिनय करते हैं। नवाज की आप कोई भी फिल्म उठा करके देख लीजिए, कहीं से वो अभिनय में किसी से कम नहीं। जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने कैरियर में बहुत संघर्ष किया है, गार्ड तक की नौकरी की है उन्होंने। पहले वो छोटे छोटे रोल करते थे, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में इस चीज को स्वीकारा है कि देखिए बॉलीवुड में ऐसे नहीं आए आप आ सकते, अगर आपको अपना स्थान बनाना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। उन्होंने हमेशा कर्म को इंपॉर्टेंस दिया है और साथ ही एक बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है कि देखिए अगर आप में टैलेंट है तो आपको किसी स्टार का बेटा या किसी स्टार का भाई होने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने इसको प्रूव किया है कि टैलेंट किसी के रोकने से रुक नहीं सकता है, वो कभी ना कभी उस बीज की तरह पृथ्वी को फाड़ते हुए ऊपर निकलेगा और उसमें फल होंगे, वो हरा भरा होगा और दूसरों को जीवन देगा। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है अपने अभिनय शैली से। अगर आप उनकी मांझी फिल्म देखें या कोई भी फिल्म देखें, उन्होंने एक इंटेंस अभिनय किया है, उनका संवाद बोलने का तरीका। अगर आप किक देखेंगे तो उन्होंने सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे नवाज तो नवाज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऋतिक रोशन क्रिस 4 और क्रिस 5 में ऐसा नया क्या करेंगे। इस बार ऋतिक रोशन क्रिस 4 और क्रिस 5 में बेफेक्स के जरिए बहुत शानदार स्टंट सीन देने वाले हैं और इन दोनों फिल्मों का जो क्लाइमेक्स है ना वो लाजवाब होगा। मैं तो ये कहता हूं कि जब क्रिस 4 रिलीज होगी ना तो लोग पागल हो जाएंगे, भाई कल ही क्रिस 5 रिलीज कर दो, क्योंकि राकेश रोशन एकदम बैठ गए हैं उस कहानी को लेकर के जो कहानी लोगों के दिलों में बहुत सदियों से बसी हुई है। वो फिर से इतिहास के पन्नों को पलटना चाहते हैं, फिर से दिखाना चाहते हैं कि इतिहास की बातें आज भी जिंदा हैं। अगर आप ध्यान से अपने इतिहास को अपने संस्कृति को पढ़ेंगे तो आपके पास कहानियों की कमी नहीं होगी, आपको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, आपको विदेशी फिल्मों का रिमेक बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है और इसका सीधा जवाब है ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया। वैसे ये सब कमाल राकेश रोशन का ही है, क्योंकि ज़्यादातर राकेश रोशन के द्वारा निर्देशित फिल्में ही ऋतिक रोशन की हिट हुई है, बाकी सब फिल्मों में उतना कमाल नहीं कर पाए हैं पता नहीं। जबकि ऋतिक रोशन बहुत टैलेंटेड अभिनेता है, अभी उनकी आने वाली जो फिल्म है वो सुपर 30 है, जो कि उसके लुक को देखकर ये लगता है कि ऋतिक रोशन ने उसमें कमाल का अभिनय किया है। वैसे मुझे ऋतिक रोशन की सबसे अच्छी फिल्म लगती है गुजारिश, उन्होंने जो अभिनय किया है कमाल का है, मैथड एक्टिंग किया है। मैं तो ये कहता हूं जो गुजारिश फिल्म है जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था वो एक प्रकार की कल्ट फिल्म है। हर सिनेमा करने वाले छात्र को या हर फिल्म देखने वाले दर्शक को उस फिल्म को गौर से देखना चाहिए कि ऋतिक ने क्या अभिनय किया हुआ है। वैसी फिल्में हमारे देश में बनती ही नहीं, और इसलिए नहीं बनती कि हमारे यहां वैसे दर्शक नहीं। वैसे छोड़िए कोई नहीं, अगर आपके पास समय मिले तो एक बार मेरी गुजारिश है कि आप गुजारिश फिल्म जरूर देखिएगा। वैसे मेरा मानना है कि क्रिस 4 और क्रिस 5 जब भी बॉक्स ऑफिस पर आएगी वो धमाल ही मचाएगी, जैसे बाहुबली और बाहुबली 2 ने मचाया था। मेरा तो ये भी मानना है कि क्रिस 4 और क्रिस 5 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और दंगल को भी पीछे कर देगी, क्योंकि इन दोनों फिल्मों के लिए अभी से ही राकेश रोशन पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं।
इसीलिए इसकी शूटिंग में देरी हो रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को लेकर के धीरे धीरे इनकी घोषणाएं शुरू हो गई है। अब चलिए देखते हैं इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होती है। वैसे आपका क्या अनुमान है, जब ये दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है? मेरा तो मानना है कि दोनों फिल्में आराम से अगर मिला दिया जाए तो 2000 करोड़ का बिजनेस तो आसानी से कर लेंगी। उसके पीछे रीजन है, इसमें जो जो भी स्टार को साइन किया जा रहा है हर स्टार 100 करोड़ी है, तो वैसे ही ये फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। वैसे इसका क्रेज जो है ना बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक है, हर बच्चा इस तरह की फिल्में देखना चाहता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कार्टून में सुपर हीरो अच्छे लगते हैं और कॉमिक्स पढ़ने वालों के लिए भी ऐसे सुपर हीरो मौजूद हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राकेश रोशन की क्रिस 4 और क्रिस 5 बॉक्स ऑफिस पर क्या बाहुबली और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों फिल्मों का कितना बेसब्री से इंतजार